लारी साहब हमारे साथ जी एक शख्सियत है और एक बर्पा की सेन पॉलिटी गवर्नमेंट सबकी खिदमत लोगों की लिख रहे हैं वॉइस चली गई हमारे फोन की, इसकी कसर और कर आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, आवाज कट रही है, आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है। ओके ओके अभी क्लियर है जी, बिल्कुल। जुबैर सर आवाज क्लियर है अभी? हाँ तारिक भाई काफी अच्छी आवाज है जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ ना सब प्लीज एक बार अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें ताकि मैं स्टार्ट कर पाऊँ, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस वो कम हो जाएगा। अपना अपना जो माइक है वो म्यूट कर दें प्लीज। तो यासिर खान इनाम साहब मेरी आवाज आ रही? देखिए जिस जिसको नेटवर्क का जिसका यहाँ ज्यादा नेटवर्क का जिसके यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है ना, वो लो डाटा ऑप्शन है एक ऊपर स्क्रीन पे, उसको क्लिक कर दें तो क्या होगा, तस्वीर नहीं आएगी लेकिन आवाज बहुत प्रॉपर क्लियर हो जाएगी। जी 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 आवाज क्लियर हो गई है, अभी मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर। जी जी मैं सुन पा रहा हूँ, मैं अभी आपकी आवाज बेहतर है बहुत। मैं ये अर्ज कर रहा था आप सब लोग अपने माइक अगर ऑफ कर दें, और अभी थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बाकायदा प्रोग्राम शुरू करेंगे हम लोग। तो ये प्रोग्राम जैसा कि हम सभी को मालूम है भाव मंजरे साहित्यिक मंच कुरुक्षेत्र की जानिब और पोएटिक आत्मा दोनों के इश्तराक से ये प्रोग्राम अमल में आया है, और हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं शायरी के लिए, अदब के लिए और अपने अदबी जौक के लिए। तो जितने लोग भी आज के मुशायरे में शामिल हैं वो अपने आप में एक शायरी की दुनिया में अलग मकाम रखते हैं, अपना एक अलग ढंग, अपना अलग उसलूब उनका है। तो मैं शुरू करने से पहले, किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक गाइडेंस की जरूरत होती है, एक सदर की जरूरत होती है। तो उसके लिए चूंकि पहले से ही हमारी हम सब की ख्वाहिश थी कि जुबैर सर हमारी नुमाइंदगी की करें और इस प्रोग्राम की सदारत कबूल करें, तो उन्होंने ये सदारत कबूल की, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी की जानिब से उनको उनका खैर मकदम भी करता हूँ। तो इसी प्रोग्राम के लिए अभिषेक तिवारी भाई हमारे मेहमान खुसूसी हैं, शायद वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जब वो ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह प्रोग्राम ऐसे ही आगे चलता रहेगा। जी 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 वो हैं, वो एक्चुअली आज एक के बाद 10 बजे दूसरा प्रोग्राम है, उसकी तैयारी में है, अभी हैं वो यहीं पे, ठीक है आएंगे थोड़ी देर में। ठीक तारिक भाई आवाज नहीं आ रही बिल्कुल आपकी। तो मेरे ख्याल से
दोबारा जुड़ गए सब लोग। मेरी तरफ से नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जुबैर सर अगर इजाजत दें तो फिर उनकी इजाजत से शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं बिल्कुल इजाजत है, शुरू कीजिए, बहुत लेट हो गया है। जी शुरू कीजिए। जी बिना किसी तमीज के मैं दस्त में प्याज बुझाता हूँ। आसिम मकनपुरी साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? अरे भाई आपकी आवाज बीच में आई नहीं थी। जी, तो पूरी बीच में आई नहीं थी असल में। सॉरी मैं दोबारा बोल देता हूं। तारिक भाई किसी तमीज के, चूंकि अब किसी तमीज की जरूरत नहीं है, तो मैं जी आपके हुजूर जाना चाह रहा हूं और उनके कलाम के लिए अता करें भाई। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह सभी हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सदरे मोहतरम से इजाजत चाहता हूँ। जी इजाजत है, इजाजत इजाजत है सभी की इजाजत। जी 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 ठीक माशाल्लाह। जी बिल्कुल इरशाद। चलिए तो गजल से ही शुरू करें या कुछ नातिया गजल से शुरू करिए जहाँ से आपका मन करे वहाँ से शुरू करिए। चलिए ठीक, चार मिसरे अपने मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास सभी के समातों के हवाले। इरशाद लोग तुम्हारे नाम को चूमे ऐसी एक पहचान बनो। क्या बात है भाई, वाह। लोग तुम्हारे नाम को चूमे ऐसी एक पहचान बनो, काम कोई ऐसा कर जाओ अपने वतन की शान बनो, काम कोई ऐसा कर जाओ अपने वतन की शान बनो। मजहब की दीवारें तोड़ो मिल के रहो तुम आपस में, मजहब की दीवारें तोड़ो मिल के रहो तुम आपस में, हिंदू मुस्लिम बाद में बनना पहले एक इंसान बनो। हिंदू क्या कहना है, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद आसिम, जिंदाबाद। मशकूर भाई और सभी हजरात की सभी के समझ हवाले। नाजिम साहब की खुसूसी तवज्जो के साथ इनायत भाई अता कर। चाह कर भी मेरे यार नहीं कर पाए, आवाज कट गई, फिर से करें। नहीं कर पाए, सुन पा रहे हैं? चाह कर पाए तुझसे हम इश्क का इजहार नहीं कर पाए। शुक्रिया, मतलब सानी आपकी खुसूसी तवज्जो के साथ पेश करता हूँ तेरे साथ। चाह कर भी मेरे अगियार नहीं कर पाए, चाह कर भी मेरे अगियार नहीं कर पाए मुझको रुसवा तेरे बाजार नहीं कर पाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया।
मुझको रुसवा सर बाजार नहीं कर पाए। क्या कहना है आप भाई वाह, ये भी शेर समातों के हवाले। अच्छा भाई, तुझे देखने आए थे तेरी महफिल में, तुझे देखने आए थे तेरी महफिल में, हम तुझे देखने आए थे तेरी महफिल में, और हम तेरा ही दीदार नहीं कर पाए। क्या कहना है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब, शुक्रिया। क्या बात है भाई, वाह। देखने आए थे तेरी महफिल में, और हम तेरा ही दीदार नहीं कर पाए। अच्छा है, क्या कहना है, क्या कहना है भाई, वाह। दीदार नहीं कर पाए, अल्लाह करा दे दीदार, अल्लाह आपको दीदार करा दे भाई। जी जी, आमीन आमीन। मस्ता हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास। जी अच्छा, जमाने में किए हैं सिम, यूं तो सब काम जमाने में किए हैं सिम, यूं तो सब काम जमाने में किए हैं आसिम, वो जिसे कहते हैं सब प्यार नहीं कर पाए। वो जिसे कहते हैं सब प्यार नहीं कर पाए, कर भी मेरे यार नहीं कर पाए, तुझसे हम इश्क का इजहार नहीं कर पाए। क्या कहना है, क्या कहना है, वाह वाह। इजाजत हो तो एक गजल के दो या तीन शेर और। इनायत, इनायत, इरशाद। जी जी, इनायत, इरशाद, इरशाद। बहुत बहुत शुक्रिया। के जाने शम्स तो कमर नहीं आया, जाने शम्सो कमर, जाने शम्सो कमर नहीं आया, नहीं आया, जाने शम्सो कमर नहीं, क्या हुआ वो अगर नहीं आया, क्या हुआ शेर बतौर खास के, वो हमेशा रहता है, वाह, ही रहता है, आज तक क्यों नहीं नजर नहीं आया, वाह 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 वाह, आज तक क्यों नजर नहीं आया, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी हजरात का। ये शेर बतौर खास मैं के ये समझ लीजिए कि ये शेर आप सबके लिए है। जब से देखा आपका चेहरा, हाँ हाँ, जब से देखा आपका चेहरा, दिल किसी नहीं, वाह 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 वाह,
भाई तबीयत राज की मोहब्बतें कि जब से बहुत बढ़िया बहुत उम्दा वाह 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 चेहरा दिल किसी पर नहीं आया वाह 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 बहुत अच्छा पढ़ रहे हो भाई वाह 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 बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई वाह नहीं बहुत शुक्रिया आपकी क्या कहने ये भी शेर आपकी खिदमत में हाजिर है बतौर खास समात फरमाए जी इनायत मरहमत फरमाए पे कर दिया कुर्बान उनके कदमों पे कर दिया कुर्बान पे कर दिया कुर्बान दिल को मैं बेच कर नहीं क्या बात है अच्छा वाह क्या कहना वाह क्या कहना क्या कहना दिल को बेच कर नहीं आया वाह 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 बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतें और ये भी शेर आपकी खिदमत में इस शेर पे बहुत खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ माशाल्लाह आप अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं सभी लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लेकिन ये भी शेर सलामत रहे भाई सलामत रहे इरशाद करें जज़ाकअल्लाह वादा कर तो गया था आने का वादा कर तो गया था आने का वादा कर तो गया था का वादा कर तो गया आ, आ, वो मगर लो लौट कर नहीं लौट कर नहीं क्या कहना वाह वाह भाई वाह भाई वाह 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 भाई वाह 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 क्या कहने क्या कहने वाह 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 गया वो मगर लौट कर नहीं आया क्या कहने क्या कहने भाई वाह क्या बात नहीं आया शुक्रिया आप सभी हजरात की मोहब्बतें और मक्ता बतौर खास समात फरमाए इनापी इनायत इनायत इरशाद इनायत फरमाए यूं तो सब ही थे बज्म में आसिम यूं तो सब ही थे सब ही थे बज्म में यूं तो सब ही थे बज्म में एक वो नजर नहीं क्या कहना है आदिम भाई वाह 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 क्या निगाहें हैं भाई वाह वाह क्या बात भाई वाह 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 यूं तो सब ही क्या कहना क्या थे बज्म में सिम एक वो वाह 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 सर नहीं आया जाने क्या कहना भाई वाह 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 नहीं और आखिर में बस चार मिसरे तहत में आपकी समातों के हवाले और जहमतें तमाम तुम अगर ये खता बतौर खास तुम अगर ये खता नहीं करते ये खता नहीं करते तुमसे हम कुछ गिला नहीं करते तुम अगर ये खता नहीं करते तुमसे हम कुछ गिला नहीं करते और हम तो दरिया के दो किनारे हैं हम तो दरिया के दो किनारे हैं जो कभी भी मिला नहीं करते भाई वाह बहुत अच्छा है वाह वाह भाई बहुत अच्छा है शुक्रिया हम तो दरिया के दो किनारे हैं जो कभी भी मिला नहीं करते जो कभी भी मिला नहीं करते बहुत शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया बहुत शुक्रिया आसिम मकनपुरी भाई आप
जी सर साहब, बहुत जी सर मुबारकबाद आपको, और खुसूसी तौर पे आपने जो एक वो इस्तेमाल किया कि मतलब सानी, उसके लिए जी मुबारकबाद आपको, क्योंकि इसका इस्तेमाल बड़ा कम हो रहा है, इसकी जगह कुछ और इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके लिए आपको जी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी तारिक भाई, तारिक भाई बहुत शुक्रिया। जुबैर सर आप इतने इतने अच्छे कमेंट्स से भी नवाज रहे हैं बीच बीच में, और ये बिल्कुल जिस तरफ आपने इशारा किया है वो बिल्कुल जाहिर है, इसका इस्तेमाल कम हो रहा है, लेकिन चूंकि हमने एक रिवायती अंदाज में और बेहतरीन शायरी अभी सुनी, जो गजल का अपना लहजा है, अपना उसलूब है, जो बड़ा मिठास लिए हुए है, आसिम भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ भी करता हूँ। शुक्रिया। दरिया की जो ये दो किनारे हैं इनके बीच में पुल बन जाए, इनके भी अरे सर बहुत शुक्रिया, मेरी दुआ है। तो आमीन, आपने आमीन। आपने जिस उसलूब की आपने शायरी सुनी है, ये गजल का एक अपना रिवायती लहजा है, आइए मैं इस लहजे को बदलता हूँ। और शहरी वाफी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि उसका हंसना नामुमकिन था ये समझो, उसका हंसना नामुमकिन था ये समझो, सीमेंट की दीवार से कोपल फूटी है। सीमेंट की दीवार से क्या बात है, वो जो सीमेंट की दीवार से कोपल फूटी है, तो शायर अब इन एहसासात को भी अपनी शायरी में ढालता है, और यहीं से इन एहसासात की तर्जुमानी कुछ देवबंद से होती है। डॉक्टर काशिफ अख्तर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। हज़रत गिरामी, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हज़रे मोहतरम की इरशाद फरमाना, इरशाद इरशाद इनायत, सेहत की कोई सुनता नहीं है, लेकिन बहरहाल गले से नाबीना है तो तहत में कर देता हूँ। गले से नाबीना है, अच्छा है, अच्छा है। तहत पे सुनाइए, यहाँ पे तहत वाले ज्यादा है। और दूसरी बात, एक और जुमले में मुबारक, यहाँ पे तरन्नुम में थोड़ा, तरन्नुम में जब पढ़ रहे हैं ना तो डिस्टरबेंस में वो बात भी नहीं आ रही, थोड़ा तहत में ज्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे पढ़ना ऑनलाइन। तरन्नुम में क्या ना, तरन्नुम में जब आप पढ़ेंगे, तरन्नुम में जब आप पढ़ेंगे तो आधा मिसरा गायब हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा, तो बेहतर है कि तहत में पढ़े। जी जी, नेटवर्क इशू, नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता। सर जी क्या आधा आधा सुना था हमको? अगर आधा नहीं, नहीं पूरा सुना। देखिए काशिफ, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की मोहब्बत है कि आधे के बाद आप आधा पढ़ेंगे तो बाकी का आधा वैसे ही समझ में आ जाता है मुझे। जी काशिफ भाई, बगैर मतलब की पेश करता हूँ, या फिर भाई तवज्जो चाहूंगा कि हिजर वाके हो गया, हिजर वाके हो गया, कितनी सहूलत हो गई, हिजर वाके हो गया, कितनी सहूलत हो गई, आजकल पहुंचा रहा हूँ नींद को तकमील तक। आजकल पहुंचा रहा हूँ नींद को तकमील तक, और पहुंचा रहा हूँ नींद की तकमील तक, कोई भी तस्वीर तेरी पास में अब है नहीं, कोई भी कोई भी तस्वीर तेरी साथ में अब है नहीं, पास में अब है नहीं, कैमरा खाली किया है फेंक दी है रील तक। पढ़े, मेरी तरफ आवाज नहीं आई आपकी बिल्कुल, फिर से कैमरा खाली, कैमरा खाली की आए फेंक दिए रील तक। अच्छा, गुस्सा नहीं, असल में रील का जमाना भी नहीं है ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, वाह वाह वाह, नहीं इनका, इनके जमाने का, इनके इश्क का भी जमाना नहीं है जुबैर सर, इनके जी जमाना वो भी गुजर चुका। जी जी जी, इनके जमाने की बात होगी ना, रील। जी जी जी, फेंक दी है रील, और जुजवी अंधा हो गया हूँ इश्क में तेरे सनम,
अंधा हो गया हूँ इश्क में तेरे सनम, इश्क में तेरे सनम कुछ नहीं मैं देख पाता बाज सहरा झील तक, मोहतरम ने उसने मसले की बात कही थी तो मैं एक गजल पेश कर देता हूँ जिसमें उसने मसले का इस्तेमाल मैंने किया है, अल्लाह करे कि आप लोगों तक पहुँच जाए वो। मैंने ये नहीं कहा था जी, फरमाइए। रोशनी आई नहीं यार। तारिक भाई सुने जी, इनायत है, छोटी बहन की गजल है। वाह, ये जो रोशनी का सजाल है ये फकत तुम्हारा ख्याल है, ये फकत तुम्हारा ख्याल है। मैं जुनूब हूँ तो शिमाल है, तेरा मुझसे मिलना सवाल है। वाह मुझसे मिलना मुहाल है। वाह वाह वाह, आसिम भाई के तरफ से शायरी कर रहे हैं ना, दो किनारों वाली। मैं जी पहली बार मिला है। मैं जुनूब हूँ तो शिमाल है, तेरा मुझसे मिलना मुहाल है, और यूना गेस वालों को सवार तू, को सवार तू, सवार तू, ये अलग सा तुर्फ जमाल है। क्या कहना है भाई, काशिफ भाई है। और शेर देखेंगे जी जी, आप हमें लगता है कि दरिया के दोनों किनारों को मिला देंगे आज। मिलाएंगे बहुत उम्दा भाई, पढ़े। यूना गेस को सवार तू, ये अलग सा तुर्फ जमाल है। और शेर देखे बतौर खास उन लड़कों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, कि तू गया तो गई जॉब भी जी, तू गया तो गई जॉब भी, तू गया तो गई, तू गया तो गई जॉब भी। अरे भाई शेर देखे जी जी, तू गया तो गई जॉब भी, मुझे उसका ज्यादा मलाल है। मुझे उसका ज्यादा मलाल है। एक गजल और पेश कर देता हूँ, कि हम फसले बहार में, हम दोनों एक साथ फसले बहार में, फसले बहार में एक उम्र कट गई है इसी इंतजार में। वाह, अच्छा मतलब है भाई, वाह वाह, क्या बात है। हम शुक्रिया जनाब, शुक्रिया कि हम दोनों एक साथ हों फसले बहार में, फसले बहार में बहार में एक उम्र कट इसी इंतजार में। वाह वाह, बहुत अच्छा। देखें कि मुझको तुम्हारी याद ने सहरा बना दिया, इरशाद मुझको तुम्हारी याद ने सहरा बना दिया, सहरा बना दिया, वरना बहुत मजे थे यहाँ आबशार में। बहुत अच्छा आबशार में। और शेर देखें कि वरना बहुत मजे थे यहाँ आबशार में, और मुझसे शबे फिराक की लाचारियां न पूछ, मुझसे शबे फिराक की लाचारियां न पूछ, फिराक की लाचारियां न पूछ, पूछ पड़ता नहीं करार दिले बेकरार में। वाह, लाचारियां न पूछ, पड़ता नहीं करार दिले बेकरार में। बहुत शुक्रिया। और एक गजल के एक मतलब और एक शेर और देखें, कि जब तेरी याद के पेड़ों पे समर आते हैं, जब तेरी याद के पेड़ों पे समर आते हैं, याद के पेड़ों पे समर आते हैं, रात को ख्वाब में फिर शम्स तो कमर आते हैं। वाह, समर आते हैं, वाह वाह भाई, शम्स तो कमर आते हैं, और मिलता है वो महदूद से एक लम्हे में।
शेर देखें मुझसे मिलता है वो शहरी में थी दरअसल, इसलिए शेर देखें मुझसे मिलता है वो महदूद से एक लम्हे में, उसके तो ख्वाब भी अब वक्त सहर आते हैं। उसके तो ख्वाब भी अब वक्त सहर आते हैं, वक्त सहर आते हैं। और एक शेर और देखें कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ तो इसमें एक जरूरी है कि कोई शेर अपने पेशे से भी सुना दूं मैं भाई। पेशे से हम भी डॉक्टर हैं काशिफ भाई, माशाल्लाह जब इत्तेफाक। जी बिल्कुल, मैं आप शेर अता कर देता हूँ। जी अता कीजिए। हम तो कोई पेशेंट हैं। पढ़े काशिफ भाई। जी जी पढ़े भाई। हेलो जी, जी पढ़े सुने। जी जी आवाज आ रही है, पढ़े आप। जी हेलो जी, अता शेर सुने। जी आवाज जी। खुश्क खुश्क आंसू चल दिए थे जहन की जानी मगर। जी खुश्क आंसू चल दिए थे जहन की जानिब मगर, फिर ख्याल यार ने आकर उन्हें नम कर दिया। वाह 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 वाह। चल दिए थे फिर ख्याल यार ने जानिब मगर, फिर ख्याल यार ने उन्हें नम कर दिया। आकर उन्हें नम कर दिया, एक तरफ था हिजर तेरा एक तरफ मिलने की आस। एक तरफ था हिजर तेरा एक तरफ मिलने की आस, एक ने बीपी बढ़ाया एक ने कम कर दिया। बहुत शुक्रिया हजरत, काफी याद के लिए और लोग भी लिस्ट में, जजाक अल्लाह खैर। शुक्रिया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ अख्तर साहब, मुबारकबाद। नाज़िम साहब से एक गुजारिश, शानदार पढ़ा। नाज़िम साहब से एक गुजारिश, माशाल्लाह माशाल्लाह आप बहुत स्मार्ट हैं, तो अपना मुंह क्यों इतने डार्क में किए हुए हैं? हाँ, तारीख अब नजर नहीं आ रही अच्छी से। आपका मैं बता रहा हूँ कि अगर देखा आप बहुत स्मार्ट हैं माशाल्लाह। अरे भाई जरा नवाजी, लेकिन आज़िम भाई वो जी तारीख भाई आपके लिए शेर पढ़ूंगा मैं, कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शह है जिसने डाली बुरी नजर डाली। जी जी अच्छा। नहीं, नहीं, मैं अच्छी उसकी वजह बता देता हूँ एक्चुअली। जी आसिम भाई बात सुनिए, वो उसमें एक्चुअली बात यह है कि बारिश और तूफान की वजह से लाइट गई हुई है और इन्वर्टर की एक ही लाइट मुझे उपलब्ध है फिलहाल। भैया सेम पोजीशन, तीन मोबाइल लिए हुए हैं, एक से जुड़े हुए हैं, दो की लाइट चेहरे पे पड़ रही है। लाइट नहीं भाई, हम अभी, हम गरीब आदमी है भाई, हम गरीब आदमी है भाई। आप से पूरी पोजीशन में दो मोबाइल भाई के लेके आए हैं। चलिए चलिए इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ाता हूँ प्रोग्राम को। जी जी जी, नेक्स्ट प्रोग्राम भी है। जी 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 तारिक भाई, नेक्स्ट प्रोग्राम भी है जी तारिक, वक्त का भी ख्याल रखना है। और डॉक्टर काशिफ अख्तर साहब ने हमें काफी अच्छे अच्छे शेर सुनाए और जो एक अस्लूब है नई शायरी की तरफ, जदीद शायरी की तरफ, जदीद शायरी की तरफ जो एक रुख है और होती आ रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये चीज सामने आती है जब हम जदीद शोरा को देखते हैं कि उनके यहाँ रवानी मजरू होती है। ये वो एक जो गजल की शिरीनियत है उसमें बड़ा एक उथल पुथल मची हुई है, लेकिन डॉक्टर काशिफ अख्तर ने उसे बरकरार रखा है, इसके लिए भी मुबारकबाद के काबिल हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ बिना किसी तमजीद के। इसी तरह का एक और शायर, हालांकि मैं चाहता था कि उन्हें बाद में सुना जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मौका भी बहुत अच्छा है और मैं आसिफ अलतश साहब के हुजूर जाना चाह रहा हूँ, वो अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया तमाम जो लोग नाजरीन सामेईन जो देख रहे हैं तमाम को मेरा आदाब। जी आदाब भाई, आदाब आदाब। जनाबे यासिर खान यासिर साहब, क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? आवाज मेरी आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। आप सबसे अच्छे दिख रहे हैं भाई।
मुकम्मल दिख रहे हैं आप और भरपूर दिख रहे हैं, भरपूर दिख रहे हैं इस महफिल के जो सदर हैं जनाबे आली, उनसे इजाजत चाहता हूं और इस मतलब से शुरुआत करना चाहता हूं। मतलब तमाम लोगों के तू अगर बात करे तो मैं तू अगर बात करे तो मैं सुनाऊं तुझको और फिर ख्वाब में सीने से लगाऊं तुझको। वाह अरे बहुत अच्छा मतलब पढ़ा है। तू अगर बात करे तो मैं सुनाऊं तुझको और फिर ख्वाब में सीने शेर देखें यासिर भाई। वाह वाह जी दिल में आ रहा है मैसेज लिखूं उसको मैं, दिल में आ रहा है कि मैसेज में जागने वाले बता रहे कि मैं। अरे वाह 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 क्या कह रहे हैं, वाह 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 जागने वाले बता और जगाने पड़े भाई। बहुत शुक्रिया भाई, दिल में आया है कि मोबाइल लाके दो मेरे यहाँ पर लाइट कम हो गई। ठीक जी और जगाऊं तुझको रूठने वाले से वाह, रूठने वाले से नहीं जाता आ मेरे पास जरा इश्क दिखाऊं तुझको। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह मेरे पास नहीं जाता वाह, आ मेरे पास जरा इश्क सिखाऊं तुझको अगले रमजान बहुत तू मन कुहा हो। वाह अगले रमजान मेरी काश तू मनकूबा हो और मैं प्यार से अवतार कराऊं अल्लाह अगले रमजान नसीब करे आपको। आमीन 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 आमीन। अगले रमजान मेरी काश तू मनकूहा हो और मैं प्यार से अफ्तार कराऊं तुझको यासिर भाई। और तवज्जो लॉकडाउन में कभी मुझको ये लगता था मैं लॉकडाउन में कभी मुझको ये लगता था कि मैं खिड़कियां खोल के आवाज लगाऊं तुझको। अरे बहुत अच्छे लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में सबसे अच्छा शेर सुना मैंने लॉकडाउन पीरियड में। आसिफ भाई वैसे शायद इस चीज पे बैन नहीं था, आप आवाज लगा सकते थे। लोग खालियां बजा रहे थे आवाज लगाने में क्या हो गया। खिड़कियां खोल के आवाज लगाऊं तो एक मतलब ये देखें कि तू परेशान ना हो, दिल को ये समझाते हैं। तू परेशान ना हो, दिल को ये समझाते हैं, समझाते हैं। तू परेशान ना हो, दिल को ये समझाते हैं, हम बुरे काम नहीं करते हैं पछताते हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने। शुक्रिया। हम बुरे काम नहीं करते हैं पछताते हैं, शेर ये देखें तुझको मिलना ही नहीं वरना तो मिलने वाले। तुझको मिलना ही नहीं वरना तो मिलने वाले। लिफ्ट रुक जाए तो जीने उतर आते हैं। अरे अरे भाई भाई तरीके से मजामीन बांध रहे हैं बहुत उम्दा, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है भाई, बहुत उम्दा। लिफ्ट क्या बात है, उतर आते
जीने से शेर ये है इसमें यासिर भाई जिसके पहले शेर ये है पहले मरकर ही बिछड़ते थे मोहब्बत वाले जी पहले मरकर ही बिछड़ते थे मोहब्बत वाले पहले मरकर ही बिछड़ते थे मोहब्बत वाले अब बिछड़ते ही किसी और पे मर जाते हैं फिर से कहिएगा बहुत मुकर्रर मुकर्रर पहले मरकर ही मुकर्रर आसिफ भाई मोहब्बत वाले जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई आसिम भाई हैदर आफी पहले पहले मरकर ही बिछड़ते थे मोहब्बत वाले अब बिछड़ते ही किसी और पे मर जाते किसी और पे मर जाते हैं क्या बात है बहुत सलीके से कहा है भाई वाह 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 जिंदाबाद बहुत शुक्रिया और तुझको सीने से लगाते हैं कि घबराहट है वाह यासिर भाई शेर देखें तुझको सीने से लगाते हैं सीने से घबराहट है और जब सीने लगाते हैं तो घबराते हैं अरे क्या कहने क्या कहने वाह बहुत ही अच्छा शेर है और जब हम नहीं सुन पा रहे हैं या किसी तक आवाज नहीं पहुंच रही आवाज कट रही है नहीं आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल नहीं आ रही है अच्छा ठीक ठीक आवाज नहीं आ रही है शुक्रिया पहले ये हां आसिफ भाई आवाज नहीं आई है दोबारा पढ़ दें तेरे ख्वाब नहीं आते और आसिफ भाई आप नेटवर्क के रेड जोन में हैं आप नेटवर्क के रेड जोन में हैं भाई ग्रीन जोन में आए नेटवर्क तो अपने आप ही काम करेगा आसिफ भाई अब बड़े मसले हो रहे हैं भाई कोई ना आप आवाज आ रही है पढ़िए आप अच्छा पढ़ रहे हैं पढ़िए आसिफ भाई पढ़िए बहुत उमदा धन्यवाद बहुत बढ़िया जी जी वो शेर पढ़ दीजिए आसिफ भाई शेर पढ़ दीजिए वो घबराते हैं मुझे लग रहा है आसिफ भाई भी नहीं सुन पा रहे हमारी आवाज वो देख भी नहीं पा रहे आसिफ भाई आवाज सुन पा रहे हैं मेरी दिख रहा हूँ रोबोटिक साउंड आ रही है देख तो रहे हैं आवाज में डिस्टरबेंस है आप लो डेटा पे कर दीजिए लो डाटा पे कर लीजिए तो आवाज क्लियर होगी आप वीडियो ऑफ कर दीजिए तो आवाज आ जाएगी जी वीडियो ऑफ कर दीजिए बिल्कुल आसिफ भाई आप वीडियो ऑफ कर दीजिए आवाज आ जाएगी अगर आप सुन पा रहे हैं तो तारिक भाई जी जुबैर हमारे मेहमान जी जुबैर भाई हमारे मेहमान खुशनसी अभिषेक तिवारी भाई आ गए हैं इस्तकबाल है उनका अरे अरे साहब अभिषेक भाई आपका मैं इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं और अभिषेक भाई के लिए ये कह सकता हूं कि एक मुकम्मल जो शख्सियात कुछ शख्सियात ऐसी होती है जो अपने आप में तहरीक होती है तहरीक तो वो एक तहरीकी शख्सियत जो है अभिषेक भाई हैं और उन्हें जब हम सुनते हैं तो एक मोहब्बत का दरिया रवा होता हुआ नजर आता है मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ सलाम आदाब नमस्कार सत श्री अकाल आप सभी को आदाब सलाम अस्सलाम वालेकुम नमस्कार नमस्ते हेलो गुड इवनिंग जो जहाँ है आई होप सब खैरियत से होंगे जी सब खैरियत है आप ठीक हैं ये बहुत अच्छी महफिल चल रही है बहुत बहुत ठीक हूँ मैं और हम सबकी दुआएं हैं माशाल्लाह मैं ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं जी जी जुबैर सर मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अभी
आसिफ आसिफ भाई तो डिस्कनेक्ट हो गए, तो अभिषेक भाई आए तो कुछ अच्छा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, वो है आगे। जी जी, तो आगे हाँ, बढ़ते हैं हम। जी जी जी, दस्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम परिंदे, कहीं जाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अभिषेक भाई की नजर शेयर करूंगी, ये मोहब्बत की जी अब्बास ताबिश साहब के शेर है, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। तो इसी मोहब्बत की बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं, और जैसे कि लॉकडाउन पीरियड में कनेक्ट किया हुआ है अभिषेक भाई जैसे लोगों ने, तो इनकी जरूरत है, अल्लाह ताला इन्हें सेहत याब रखे और लंबी उम्र अता करे। मैं आगे बढ़ता दिल्ली की तरफ, और दिल्ली में मेरा एक पसंदीदा और मेरा महबूब शायर है जिसे हम यासिर खान इनाम के नाम से जानते हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ बिना किसी तमहीद के, यासिर भाई की का तारुफ मैं करा ही नहीं सकता हूँ, वो अपनी अपना तारुफ खुद हैं, वो अपनी शायरी से अपना तारुफ कराते हैं। मैं इस्तेमाल करता हूँ यासिर खान इनाम भाई का। बेहतर है, बेहतर है, बड़ी मोहब्बत है आपकी, ये मेरे तरफ से आप मतलब बहुत मोहब्बत करते हैं, तारिफ भाई भी और वकी शमीन भाई है, आसिफ भाई है, सभी लोग आपस में जुड़े हुए, सबसे सब लोग एक दूसरे से शायरी की निस्बत से मोहब्बत करते हैं। बहरहाल मैं पोएटिक आत्मा अभिषेक भाई, तारिक भाई और जुबैर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पढ़ने का मौका दिया, और बहुत खुशामदीद भाई, स्वागत है आपका। पेश करना चाहूंगा ये जो दीवार पे कुछ नक्श अजब बनते, मुस्तकिल देखते रहने के सबब बनते हैं। यार क्या कहना है, अरे कुछ अजब बहुत उम्दा देखते रहने के सबब बनते, ये जो दीवार पे कुछ नक्श अजब बनते हैं, मुस्तकिल देखते रहने के सबब बनते, यूं ही बनते नहीं आंखों में हमारी आंसू, यूं ही बनते नहीं आंखों में हमारी आंसू, कितने ही ख्वाब बिगड़ते हैं ये तब बनते हैं। क्या कहने हैं, ही बनते नहीं आंखों में हमारी आंसू, कितने ही ख्वाब बिगड़ते हैं ये तब बनते हैं, कितने लोगों को तो शक है कि खुदा होता है, कितने लोगों को तो शक है कि खुदा होता है, लोगों को तो शक है कि खुदा होता है, और कितनों के तो पत्थर से भी रब बनते हैं। कितने लोगों को तो शक है कि खुदा होता है, और कितनों की तो पत्थर से भी रब बनते हैं। और शेर खास इसमें मुझे पसंद है वो ये है कि सबके जहनों में मचलती है हवस की देवी, सबके जहनों में मचलती है हवस की देवी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब बनते हैं। क्या बात है, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, सबके जहनों में मचलती है हवस की देवी, सबके जहनों में मचलती है हवस की देवी, ये सब बनते हैं, सब बनते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब बनते हैं। खामोश कलम है, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश सभी दोस्तों, असल में आवाज देखते खामोश कलम, मैं शेर कहता हूँ तो कुछ एक या दो सेकंड के बाद मुझ तक वाह वाह पहुँचती है। जी जी जी, ये नेटवर्क इशू है, थोड़ा वेट कर लिया कि ये दाद के लिए, मेरी अलमारी में खामोश कलम है जी, मेरी अलमारी में खामोश कलम है यहाँ से,
जो मेरे चीखते रहने का सबब बनते हैं। वाह वाह, जो मेरे चीखते रहने का सबब बनते हैं, क्या खूब क्या बात है, जो मेरे चीखते रहने का सबब बनते हैं। मेरी अलमारी में खामोश कलम है यासर, क्या कहने हैं, चीखते रहने का सबब बनता है बनते हैं। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। एक गजल के चंद अशआर और इनायत भाई अता करें भाई। मेरी चीखों से कमरा भर गया था, मेरी चीखों से कमरा भर गया था, कमरा भर गया था, कोई कल रात मुझ में मर गया था। क्या कहने, बहुत अच्छा है, हाय मुझ में मर गया, हाय हां हां, वाह 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 वाह, मेरी चीखों से कमरा भर गया। बहुत मुश्किल है उसका लौट आना, बहुत मुश्किल है उसका लौट आना, वो पूरी बात कब सुन कर गया था। वाह वाह, अच्छा, क्या बात है, क्या मुश्किल है उसका लौट आना, वो पूरी बात कब सुन कर गया था, क्या बात है, बहुत उम्दा भाई, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जिंदाबाद। मुझे मुझे पहचानता भी है कोई, अब पहचानता भी है कोई, अब मैं बस ये देखने ही घर गया था। अच्छा, बस ये देखने ही घर गया था। जमाना जिसको दरिया कह रहा है, जमाना जिसको दरिया कह रहा है, बहुत बढ़िया, हमारी आंख से बहकर गया था। कई सदियों से सूखा पड़ रहा है, वाह 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 वाह, कई सदियों से सूखा पड़ रहा है, यहाँ एक शख्स प्यासा मर गया था। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। एक ताजा गजल के चंद अशआर और उसके बाद इजाजत। मुझे वो गम है कि सारी जमीन रोने लगे, मुझे वो गम है कि सारी जमीन रोने लगी, कि सारी जमीन रोने, मुझे वो गम है रोने लगी, मुझे वो गम है कि सारी जमीन रोने लगी, रोने लगे, मुझे वो गम है कि सारी जमीन रोने लगे, मुझे वो गम है कि सारी जमीन रोने लगे, जो अश्क पोंछ दूं तो आस्तीन रोने लगे। अरे वाह वाह, रोने लगे, मुझे वो गम है कि सारी जमीन रोने लगे, जो अश्क पोंछ दूं, जो अश्क पोंछ दूं तो आस्तीन रोने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंसाया, क्या बात है, तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंसाया, जहाँ पे जब्त के सब माहिरीन रोने लगे। क्या कहने, जहमत होगी साहब, जहमत होगी यासिर साहब, जहमत होगी, फिर से पढ़े प्लीज जी। तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंसाया, तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंसाया, जहाँ पे जब्त के सब माहिरीन रोने लगे। क्या कहने, क्या कहने, जहाँ पे जब्त के सब माहिरीन रोने लगे, क्या अच्छा है, सब माहिरीन रोने लगे। वफादारी जानता था आखिरी तमाशा है, मदारी जानता था, मदारी जानता था आखिरी तमाशा है, सो खेल ऐसा किया नाजरीन रोने लगे। क्या बात है, आखिरी तमाशा, बहुत बहुत खेल ऐसा किया, मुबारक खान साहब, खूब मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा शायरी है आपकी भाई। यासिर भाई दो शेर और वो उस गजल के भी सुनाइएगा जी, कागज पर
जी जी हाँ, इसके दो शेर है, उसके बाद में दो शेर कागज पर जो रही था आपकी वो भी। जी जी जी, तो इसका शेर है कि तेरे लबों पे उदासी थी एक लम्हे को, तेरे लबों पे उदासी थी एक लम्हे को, तेरी हंसी के सभी शायकीन रोने लगे। क्या कहने, तेरी हंसी के सभी शायकीन रोने लगे। काफी शेर इसमें ये है कि कुछ ऐसे कैद किया है घरों में कुदरत ने, कुछ ऐसे कैद किया है घरों में कुदरत ने, मकान हंसने लगे और मकीन रोने लगे। भाई वाह, कैद किया है घरों में कुदरत ने, क्या कहना भाई वाह, किया है बहुत अच्छा शेर यासिर भाई, बहुत अच्छा शेर लगे और मकीन रोने लगे, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चंद्रशार तारिक भाई का हुक्म हुआ है तो वो भी पढ़ देता हूँ। बना हुआ था कहीं आपदान कागज पर, बना हुआ था कहीं आपदान कागज पर, थी इतनी प्यास के रख दी जबान कागज पर। क्या हुआ था कहीं आफ्तान कागज पर, इतनी प्यास के रखती जबान कागज पर, और किराएदार की आंखों में आ गए आंसू, किराएदार की आंखों में आ गए आंसू, बनाए बैठे थे बच्चे मकान कागज पर। क्या बात है, क्या बात है, बनाई ये बहुत खूब, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा भाई। शेर और इस गजल का के तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी, तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी कि मुझको रखने पड़े अपने कान कागज पर। मुझको रखने पड़े अपने कान कागज पर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश तारिक भाई, मोहब्बत, बहुत खूब, क्या बात। मेरे यहाँ अजान हो रही है, तब तक दो शेर और पढ़ दें प्लीज। अच्छा तो मैं दूसरी गजल के पढ़ देता हूँ फिर एक और। बिल्कुल बिल्कुल, इनायत, छोटी बहन के जिनको मालूम नहीं होगा दुआ का मतलब, जिनको मालूम नहीं होगा दुआ का मतलब, वो हमें खाक बताएंगे खुदा का मतलब। क्या कहने, वो हमें खाक बताएंगे खुदा का मतलब, और वो ये कहते हैं मोहब्बत में सजा पाओगे, वो ये कहते हैं मोहब्बत में सजा पाओगे, और मैं खूब समझता हूँ सजा को, और है कि यानी कांटों से मैं खुशबू के मानी पूछूं, यानी कांटों से मैं खुशबू के मानी पूछूं, यानी अब आप बताएंगे वफा का मतलब। क्या बात, यानी क्या बात, क्या बात, यानी अब आप बताएंगे वफा का मतलब, क्या बात, यानी अब आप बताएंगे वफा का मतलब, आप बताएंगे वफा का मतलब, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, क्या बात, बहुत 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 शुक्रिया जी 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 जी, बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपने पढ़ा ये खुदा का मतलब, आपने जो पढ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। एक शेर मुझे अपना याद आ गया, आपको सुना दूं, सोच रहा हूँ, जो लोग कहते हैं जो लिख गया, जी जी इनायत करें सर, जो लोग कहते हैं जो लिख गया वही होगा, वो बेवकूफ हैं शायद दुआ को भूल गए। क्या बात है, क्या बात,
वाह 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 वो बेवकूफ है शायद बेवकूफ है शायद बहुत अच्छा है यासिर भाई बहुत अच्छा है बहुत अच्छा जिंदाबाद बहुत उम्दा बहुत बहुत अच्छा कलाम आपने पेश किया बहुत अच्छा सुना माशाल्लाह बहुत उम्दा बहुत उम्दा और परवीन शाकिर का शेर है कि जी परवीन शाकिर का शेर है कि पूरा नफ्सियाती आप देखिए के जो गुरूर है एक लड़की अपने पर जो खुशी है जो एतमाद और भरोसा है वो किस तरीके से है कि बैठी थी पांव डालकर लड़कियां बैठी थी पांव डालकर रोशनी सी गई तालाब में परवीन शाकिर साहब का ये शेर है तो इस शेर के साथ जो वजूद है औरत का वो उसके अंदर खुद एतमाद आती नहीं आती है वो समाज में अपनी एक जगह में जो उसकी मुकर्रर जगह है वो उस पे अपनी है वो डर तो नहीं जाती वो अपने रिश्ते और अपने एहसासात कैसे निभाती है तो जब तक शायरी में खास तौर से शायरात की शायरी में अगर वो बात निकल के सामने नहीं आती और वो भी मर्दों की तरह शायरी करने लगती है तो हमें है अपने उनके अपने जज्बे नहीं है उनके अपने इश्तियारे नहीं है उनकी अपनी बात नहीं है तो जब मैं इस पस मंजर पहलू से शायरात को सुनता हूँ तो मुझे बहुत मायूसी भी आजकल हाथ लगती है कि शायर जो है वो मर्दों की तरह शायरी करने लगी है उनके अपने जज्बे कहाँ गए वो बहुत कम निकल सामने आते हैं जब मैं बहुत अच्छी बात कही हिना रिजवी आपा को सुनता हूँ तो बहुत अच्छी बात कही मैं जब हिना रिजवी आपा को सुनता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि नहीं वो जज्बे कायम है कि नुसरत मेहंदी का जो वो शेर है कि दरार जो उसमें जिक्र किया कि ओढ़नी जो है वो दस्तार से भारी होगी है ना तो वो जो ओढ़नी दस्तार से भारी है ना उसका एक वजूद है तो साहिबा के यहाँ वो पूरा पूरा का पूरा मुकम वजूद होता है निस्बी जज्बा औरत किस तरह से सोचती है किस ढंग से सोचती है और उसे कितना भरोसा अपने आप है कि वो समाज को बदल सकती है मैं हिना रिजवी आप पर बना कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें और मैं बहुत शुक्रिया भी अदा करूंगा कि मेरी छोटी सी दरखास्त पर उन्होंने मेरी ये दावत कबूल की आपका मकदम है हिना रिजवी बहुत शुक्रिया आपका पोएटिक आत्मा और भाव मंजरी जो मुझे ये मौका दिया और सदर मोहतरम से इजाजत इजाजत हो तो मैं एक गजल के चंद इरशाद सुनाना चाहती हूँ अता कीजिए एक गजल है कि कर इलाही तू कलम मेरा कवि लिखूंगी मैं क्या बात मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है देखिए क्या भरोसा है वाह 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 जी जी एफपी आ रही कर इलाही तू कलम मेरा कवि लिखूंगी मैं और दिल के कागज से मिटाकर गम खुशी लिखूंगी मैं कर इलाही तू कलम मेरा कवि लिखूंगी मैं और दिल के कागज से मिटाकर गम खुशी लिखूंगी मैं खुशी और ये शेर बहुत ये शेर बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत शुक्रिया और ये शेर की थोड़ी थोड़ी ढारस ही अमावस के मुसाफिर को मिले क्या बात है थोड़ी ढारस ही अमावस के मुसाफिर को मिले नील के सब पत्थरों पर रोशनी लिखूंगी मैं क्या कहने हैं बहुत अच्छा शेर है शुक्रिया बहुत ही अच्छा है दोबारा दोबारा पढ़िए बहुत शुक्रिया थोड़ी ढारस ही अमावस के मुसाफिर को मिले मील के सब पत्थरों पर रोशनी लिखूंगी मैं और ये शेर बहुत शुक्रिया कि खत्म शुद रस्मी ताल्लुक रब हसरत आरजू शुक्रिया खत्म शुद रस्मी ताल्लुक रब हसरत आरजू बहुत शुक्रिया और ये बताने को उसे खत आखिरी लिखूंगी मैं क्या कहना है 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 भी बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत अच्छा माशाल्लाह जिंदाबाद बहुत अच्छा खत्म शुद रस्मी ताल्लुक बहुत अच्छा बहुत अच्छा आरजू ये बताने को उसे खत आखिरी लिखूंगी मैं
बहुत शुक्रिया। ये शेर की शर्म से गरकाब खुद में ही समंदर हो तो हो, शर्म से गरकाब खुद में ही समंदर हो तो हो, सतह पर उसकी अब अपनी तशनगी लिखूंगी मैं, सतह पर अब अपनी तशनगी लिखूंगी। कि जिस घड़ी उसने किया मेरी वफा का इतराफ, जी जिस घड़ी उसने किया मेरी वफा का इतराफ, बस उसी लम्हे, जी जिस घड़ी उसने किया मेरी वफा का इतराफ, बस उसी लम्हे को पूरी जिंदगी लिखूंगी मैं। जिस घड़ी उसने किया मेरी वफा का एतराफ, बस उसी लम्हे को पूरी जिंदगी लिखूंगी मैं। और ये शेर देखिएगा, रिजवी साहिबा, हिना रिजवी साहिबा फिर से पढ़ दीजिए मुकर्रर प्लीज। जी शुक्रिया। जिस घड़ी उसने किया मेरी वफा का एतराफ, जिस घड़ी उसने किया मेरी वफा का एतराफ, बस उसी लम्हे को पूरी जिंदगी लिखूंगी मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस उसी लम्हे को पूरी जिंदगी लिखूंगी मैं। और मौत का जिस जिस लुगत में है मानी खात्मा, मौत का जिस जिस लुगत में है मानी खात्मा, काट कर सबको हयाते दायमी लिखूंगी मैं। बहुत शुक्रिया। मौत का जिस जिस लुगत में है मानी खात्मा, काट कर सबको हयाते दायमी लिखूंगी मैं। और ये आखिरी शेर गालिब से करूंगी दिल ही दिल में माजरत, मीरो गालिब से करूंगी दिल ही दिल में माजरत, जब हिना तुकबंदियों को शायरी लिखूंगी, जब हिना तुकबंदियों को शायरी लिखूंगी मैं। दिल के कागज से मिटा कर गम खुशी लिखूंगी मैं। और एक अगर क्या कहना, बहुत अच्छा पढ़ी है, बहुत अच्छा। टाइम हो तो कहें तो एक गजल और सुनाना चाहूंगी मैं आपके लिए। वक्ती वक्त है मैम, आप जी जी हिना पिक्का पढ़ रही हैं, बिल्कुल पढ़ रही है। एक ये लंबी बहर की एक गजल है, अभी हाल ताजा ही है। ये खामोश फिजा में जब दिल की आवाज सुनाई दी हमको, क्या कहें, खामोश फिजा में जब दिल की आवाज सुनाई दी हमको, आंखों में गुज़िश्ता यादों की तस्वीर दिखाई दी हम। खामोश फिजा में, शुक्रिया शुक्रिया। खामोश फिजा में जब दिल की आवाज सुनाई दी हमको, आंखों में गुज़िश्ता यादों की तस्वीर दिखाई दी हमको। और ये शेर देखिएगा कि हम कैदे बदन में रहते हुए, हम कैदे बदन में रहते हुए हसरत की रसन से जकड़े थे, हम कैदे बदन में रहते हुए हसरत की रसन में जकड़े थे, फिर मौत ने खोले कुफल सभी, हर गम से रिहाई दी हमको। हर गम से रिहाई दी हमको, शुक्रिया। और हम उसकी नजर के ताबे थे, शुक्रिया शुक्रिया। ये शेर देखिएगा कि हम उसकी नजर के ताबे थे, क्या उसकी तमन्ना भी कर ली, हम उसकी नजर के ताबे थे, क्या उसकी तमन्ना भी करते, एक रोज मगर खुद उसने ही ख्वाबों में रसाई दी हमको। और एक ये शेर, हम अहले जुनून सौदाइये दिल हर दौर में सूली चढ़ते हैं, हर दौर में सूली चढ़ते हैं, है इश्क खुदा भी खूब नशा, क्या होश रुबाई दी हम, है इश्क क्या होश रुबाई दी हमको। जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया आपको, सलामत रखिए।
ये शेर देखिएगा कि हर मंजर दिलकश का है कोई आशोब गजीदा पस मंजर, हर मंजर दिलकश का है कोई आशोब गजीदा पस मंजर, जब दिल ने फरेबे वसल दिया नजरों ने जुदाई दी हमको, बहुत शुक्रिया। और ये शेर की हम यूं ही नहीं दरवेश, इज्जत और जिल्लत के मालिक, हम यूं ही नहीं दरवेश, हम यूं ही नहीं दरवेश हुए, इज्जत और जिल्लत के मालिक, हर गांव का शुक्र किया जब तूने गदाई दी हम, हर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी शेर की हम फसले बहारा के आशिक पैदाइए गुल थे फितरत से, हम फसले बहारा के आशिक पैदाइए गुल थे फितरत से, उलझा के खिजाने खारों से क्या तलख नवाई दी हम, बेहद खूबसूरत, उलझा के खिजाने खारों से खामोश फिजा में जब दिल की आवाज सुनाई, आंखों में गुज़िश बहुत मुबारक हिना साहिबा, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी गजलें सुनाई आपने, बहुत आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हिना हिना रिजवी अप्पी। और आपने जिस वक्त मैंने जिक्र किया था और जो खत मैंने जाहिर किए थे, आपने वो सब आपकी शायरी ने दूर किए हैं और एक उम्मीद बांधी है कि दूसरी शायरात के लिए भी कि हाँ इस तरह से शायरी होनी चाहिए, और ये शायरी का मैं है होगी आवाज साफ जी, अब आइए जी। तो मैं ये कह रहा कि बहुत बहुत शुक्रिया इना रिजवी अप्पी, और अब मैं बिना किसी तमजीद के मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर हैं मशहूर ममनून साहब कन्नौज से, इनका बहुत बेहतरीन नज़्में कहते हैं, बहुत अच्छे शेर गज़लें कहते हैं, तमन्नुम से भी पढ़ते हैं, तो अच्छा बहुत सारे शेर इनके ऐसे नए असलूब के मैंने सुने कि मैं चौकड़ों, मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस तरह से भी शेर कहे जा सकते हैं। मैं मेरी गुजारिश है मशकूर भाई से कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें, मशकूर ममनून कन्नौजी साहब भाई, मशकूर भाई इस्तकबाल, इनायत मशकूर भाई, इनायत इस्तकबाल मशकूर भाई, खैर मकदम, मरहबा, इस्तकबाल, इनायत, इरशाद, अल्लाह खैर करे नेटवर्क, ईयरफोन किसी का ईयरफोन डिस्टर्ब कर रहा है, ईयरफोन डिस्टर्ब कर रहा है किसी का, हाँ वो जो है ना उसको कपड़े पे लग रहा है, वो कहीं ना कहीं टच हो रहा है जी। बड़े मशकूर भाई जी, आवाज ही चली गई यार, और तरन्नुम में मत पढ़िए प्लीज, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है सर जी, इनायत मशकूर, मशकूर भाई लेफ्ट खोल लिया, आवाज सही नहीं आई, फिर से आ गया, आ गया जी, आवाज आ रही है बिल्कुल, एक आवाज आ रही है मशकूर भाई, आप इनायत पढ़िए, पढ़िए इरशाद, तो लोडाटा पे ही रखें सर,
बिल्कुल बिल्कुल आराम से पढ़िए, पूरे एतमाद से, पूरे एतमाद व यकीन से पढ़िए। जी शुक्रिया, शुक्रिया साहब। समाज कर ले एक चार मिसरे देखें सर, सर अभिषेक भैया, तारिक भाई, इनापी जी जी इरशाद। मतलब पढ़ता हूँ कि बस तेरी रहमतों की रसद चाहते हैं। हाय हाय क्या मिसरा है। तेरी रहमतों की रसद चाहते हैं हम, बहुत अच्छा। रसद तेरी रहमतों की रसद चाहते हैं, बस तेरी रहमतों की रसद चाहते हैं हम, ऐ रब्बे जुल जलाल मदद चाहते हैं हम। अरे वाह 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 मशहूर भाई, वाह 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 वाह। बस तेरी रहमतों की रसद चाहते हैं हम, ऐ रब्बे जुल जलाल मदद चाहते हैं हम, मदद चाहते हैं। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। हम पर जो फर्ज हैं वो तो सारे उधार हैं, हम पर जो फर्ज हैं वो तो सारे उधार हैं, उधार बदला नेकियों का नकद चाहते हम पर जो है वो तो सारे उधार, पर बदला नेकियों का नगद चाहते हैं। वाह 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 मशकूर भाई, बहुत उम्दा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया शुक्रिया भाई। एक मतला दो तीन शेर और समाप्त कर लें। जी अता करें भाई। मतलब इनायत क्लियर है जी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। रास्ते में अकेला नहीं छोड़ा जाता, वाह दिखा रहा था रास्ते में अकेला नहीं छोड़ा जाता, वाह बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ा जाता, दिल लगाकर कभी को नहीं तोड़ा जाता, दिल लगाकर वाह, दिल लगाकर वाह वाह बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ा जाता, छोड़ा जाता, दिल लगाकर कभी दिल को नहीं तोड़ा जाता। फिर बतौर खास समाप्त करें, बहुत उम्दा जी। अपनी तकदीर, अपनी तकदीर संवर जाएगी इंशाल्लाह, अपनी तकदीर समर जाएगी इंशाल्लाह, अपनी समर जाएगी इंशाल्लाह, अपनी तकदीर समर जाएगी इंशाल्लाह, तेरी छोड़ा एक पूरी मशकूर भाई आवाज चली गई बिल्कुल जाता। क्या कहने, क्या कहने, मशकूर भाई आवाज चली गई, दोबारा पढ़ दें। लो डाटा पे ही आएगा मशकूर भाई। ठीक ठीक ठीक। बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ा जाता, दिल लगा कर कभी दिल को नहीं तोड़ा जाता, क्या बात है, क्या बात, इंशाल्लाह देख उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जाता, देख उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जाता। बेशक बेशक मशहूर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। अपनी तकदीर समर जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, दामन नहीं छोड़ा जाता, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया साहब। फर्क आ जाए दिलों में कोई रिश्ते टूटे, फर्क आए दिलों में रिश्ता टूटे, बात को इतना तोड़ा मरोड़ा, बाह नहीं तोड़ा मरोड़ा, को इतना तोड़ा मरोड़ा नहीं, कोई रिश्ता टूटे, बात को इतना नहीं तोड़ा मरोड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और समाप्त कर लें जरा।
अभिषेक भैया देखें जी ऐसा करें, फिलहाल तो इंटरनेट ने आवाज तोड़ भी रखी है और मरोड़ भी रखी है। सही जा रहे गुरु। देखें एक मतलब दो शेर और देख ले, फिर पढ़ दें भाई, फिर पढ़ दें। आ रही है जी ऐसा करें मशहूर भाई जी जी आ रही है, इरशाद भाई इरशाद। मतलब पढ़ता हूँ कि ख्वाब झूठे दिखा गया मुझको, ख्वाब झूठे दिखा गया मुझको, कोई पागल बना गया मुझको। क्या कहना क्या कहना कहना भाई, ख्वाब झूठे दिखा गया मुझको, कोई पागल बना गया मुझको, और मुस्कुराहट थी मेरे चेहरे पर, मुस्कुराहट थी मेरे चेहरे पर, फिर कोई याद आ गया मुझको, मुस्कुराहट थी मेरे चेहरे पर, फिर कोई याद आ गया, फिर कोई याद आ गया, फिर कोई याद आ गया मुझको, फिर कोई याद आ गया मुझको। ये शेर बतौर खास रह ना पी जी जी कि उसको फिर उसको गम ही नहीं जुदाई का, उसको गम ही नहीं जुदाई का, उसको उसको गम ही नहीं जुदाई का, जुदाई का बस यही गम ही खा गया मुझको, बस यही गम ही खा गया। क्या बात, मशहूर भाई जिंदाबाद, क्या बात, बहुत उम्दा, गम ही नहीं जुदाई का, बस यही गम ही खा गया, गम ही खा गया मुझको, वाह वाह, बस यही गम ही, बहुत मशहूर भाई जिंदाबाद, खा गया मुझको, माशाल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मतलब एक दो शेर और देख लें कि दिल किसी और से लगाओगी, किसी और से लगाओ, दिल किसी और से लगाओ, किसी और से लगाओगी या जुदाई के गम उठाओगी, या जुदाई के गम उठाओगी, दिल किसी और से लगाओगी या जुदाई के गम उठाओगी, जब भी सोया जमीर जागेगा, अच्छा जब भी जब भी सोया जागेगा, कैसे खुद से नजर मिलाओगी, कैसे खुद से नजर मिलाओगी, दिल किसी और से लगाओगी या जुदाई के गम उठाओगी, उठाओगी जब भी सोया जमीर जागेगा, कैसे खुद से नजर मिलाओगी, बहुत उम्दा जिंदाबाद, जो तुम्हारे बदन पे छूट गए, जो तुम्हारे बदन पे छूट गए, वो मेरे लम्स भूल पाओगी, वो मेरे लम्हे हैं भूल पाओगी, जो तुम्हारे बदन पे छूट गए, वो मेरे लम्स भूल पाओ, भूल पाओ, बहुत खूब जिंदाबाद। एक मतलब दो तीन शेर समाप्त कर लें हजरत जी, मतलब पढ़ता हूँ, देखें आसिम भाई, अभिषेक भैया, जुबैर सर, आवाज आ रही है इंशाल्लाह, मतलब पढ़ता हूँ, भाई देखें कि गिर रहा हूँ तो भला कौन संभाले, संभाले मुझको, आसरा तुझसे है मौला तू बचा ले मुझको, बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया, खूब भाई मशहूर भाई जिंदाबाद, गिर रहा हूँ तो भला कौन संभाले मुझको, आसरा तुझसे है मौला तू बचा ले, बहुत बड़ा, क्या कहना, बहुत शुक्रिया साहब, फिर देखें ना जुबैर साहब, बरकतें रूठ गईं, बरकतें रूठ गईं रिस्क से मेरे, लेकिन
बरकतें रूठ गईं। बड़े मशकूर भाई, बरकतें रूठ गईं रिस्क से मेरे, लेकिन तू अगर चाहे तो फाकों में भी पाले मुझको। क्या बात, वाह वाह वाह, बरकतें रूठ गईं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बरकतें रूठ गईं रिस्क से मेरे, लेकिन तू अगर चाहे तो पाकों में भी पाले मुझको, पाले मुझको। और मैं अगर तेरा बताया हुआ रास्ता न चले, मैं अगर तेरा बताया हुआ रास्ता न चलूं, मैं अगर तेरा बताया हुआ रास्ता न चलूं, उससे बेहतर है तू दुनिया से उठा ले मुझको। क्या बात, क्या बात है, बेहतरीन। मैं अगर तेरा बताया हुआ रास्ता न चलूं, उससे बेहतर है, क्या बात है, बेहतर है कि दुनिया में उठा ले मुझको। उससे बेहतर है तू दुनिया से उठा ले मुझको, दुनिया से उठा ले मुझको। बहुत उम्दा, मशहूर भाई, जिंदाबाद, शुक्रिया। बड़ी मोहब्बतें, बड़ी मोहब्बतें। आखिरी शेर समाप्त कर लें कि जिंदगी, इरशाद इरशाद, जिंदगी जिंदगी तुझसे गुजारिश है तो बस इतनी है, जिंदगी तुझसे गुजारिश है तो बस इतनी है, जिंदगी तुझसे गुजारिश है तो बस इतनी है, हो सके थोड़ी मोहब्बत से निभा ले मुझको। क्या कहने, क्या कहना, बहुत शुक्रिया साहब, बड़ी वाह वाह, क्या बात है, मशहूर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। जिंदगी तुझसे गुजारिश है तो बस इतनी है, क्या हो सके थोड़ी थोड़ी मोहब्बत मोहब्बत निभा ले मुझको। क्या कहना, क्या कहना, मैं अगर तेरा बताया हुआ रास्ता ना चलूं, एक गजल से दो तीन शेर समाप्त कर ले। बिल्कुल, अरे मशहूर भाई, बिल्कुल मशहूर भाई, जी जी, अरे वो कलाम अपना पढ़ दें जो काफी मशहूर भी हुआ है, इश्क में हार भी मुमकिन है मगर बदले में। अरे वो बहुत पढ़ा है, अरे पढ़ दें, फूल से चंद अशआर पढ़ दीजिए। नहीं नहीं, वो तेजाब वाला शेर सुना दें यार, जी जी, वो तेजाब वाला शेर पढ़ दो भाई, तेजाब मसाला है जी, मसाला है तो कोई हल भी निकाला जाए। क्या कहना है, बहुत उम्दा है, मसाला है, क्या बात है, तो कोई हल भी निकाला जाए, आओ हालात को मिलजुल के संभाला जाए। क्या कहने, मशहूर भाई, जवाब नहीं भाई, हल भी निकाला जाए, आओ हालात को मिलजुल के संभाला जाए, या तो ख्वाबों में हकीकत का कोई रंग भरो, बहुत बेहतरीन, हकीकत का कोई रंग भरो, या तो कह दो कि कोई ख्वाब न पाला जाए। या तो ख्वाबों में हकीकत का कोई रंग भरो, या तो कह दो कि कोई ख्वाब न पाला जाए, कोई ख्वाब न पाला जाए। इश्क में, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी नवाजिश, इश्क में हार भी मुमकिन है। आपकी शेर देखें जी, जनाबी जी जी, इरशाद इरशाद, इश्क में हार भी मुमकिन है मगर बदले में, इश्क में हार भी मुमकिन है मगर बदले में, मगर बदले में फूल से चेहरों पे तेजाब न डाला जाए। वाह वाह, क्या कहने, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर तो मुकर्रर, बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। मगर बदले में, मगर बदले, मगर बदले में फूल से चेहरों के तेजाब न डाला जाए, बहुत जिंदाबाद, 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 मशहूर, जिंदाबाद। आपका आपने फरमाइश पूरी की जी, बहुत शुक्रिया। मतलब एक शेर देख लें सर, अभिषेक भैया, इनायत, इनायत भाई, इनायत, इरशाद, इरशाद, एक कर्व है हमारे समाज का, इनायत लें। तारिक भाई पढ़ता हूँ के जी जी, जो हुआ वो भूल जाना चाहिए, जो हुआ जो हुआ वो भूल जाना चाहिए, जो हुआ वो भूल जाना चाहिए, अब कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है भाई। अब कदम आगे बढ़ाना चाहिए और बेटियों की उम्र ढलने आ गई, कदम आगे बढ़ा, बेटियों की उम्र ढलने आ गई, आपको ऊंचा घर आना चाहिए, आपको ऊंचा, क्या कहने, मशहूर, बहुत बेटियों की उम्र ढलने आ गई, बहुत शुक्रिया साहब, आपको ऊंचा घराना, आपको ऊंचा घराना चाहिए। इजाजत हो तो एक गजल से चंद अशआर और समाप्त कर लें। इरशाद, इरशाद, इनायत, मशहूर भाई, छोटी बहर में देखें हजरत, छोटी बहर में देख लें कि मेरे मौला, इरशाद, मेरे मौला इतना कर, मेरे मौला, मेरे मौला इतना कर, धूप बहुत है साया कर, मेरे मौला इतना कर, धूप बहुत है साया कर, धूप बहुत है, धूप बहुत है साया कर, साया कर, कड़वाहट क्यों पैदा हो, कड़वाहट क्यों पैदा हो, क्यों पैदा हो, मीठा मीठा बोला कर, मीठा मीठा बोला, क्या कहने, पैदा हो मीठा मीठा बोला कर, मीठा मीठा बोला कर, बोला कर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पज्र, पज्र कजा हो जाती है, देखा सर, पज्र कजा हो जाती है, पज्र कजा हो जाती है, रात को जल्दी सोया कर, क्या कह रहे हैं, क्या जाविया है भाई, क्या जाविया है, क्या जाविया है, क्या शेर लिखा है, मजबूर बाबा, मजबूर बाबा, मजबूर भाई, मजबूर भाई, जी इसको, इसको हम लोग ऐसे कहते, इसको हम ऐसे कहते हैं कि फज्र कजा हो जाती है। अभिषेक भाई, मजबूर भाई, अभिषेक भाई, मैंने कहा इस शेर को हम लोग, हम लोगों का रूटीन कुछ अलग है, हम लोग इसको ऐसे कहेंगे कि फज्र कजा हो जाती है, तो तुम्हें 7 बजे सोया कर, कजा हो जाए, नहीं फज्र तू पढ़ के सोया कर, हम सारे लोग सुबह 6-7 बजे सोते हैं, फज्र पढ़ के सोया कर, हम फज्र, क्या बात, जी भाई भी अच्छा है, जी जी हिना साहिबा, एक्चुअली हिना साहिबा, एक्चुअली हम लोग फज्र पढ़ के ही सोते हैं, रोज का यही है पूरी रात, नहीं आजकल तो रमजान में तो हम लोगों का भी रूटीन यही हो गया था कि फज्र पढ़ के सोते हैं। नहीं हम, हमारा तो आज भी वही है। अच्छा 75 दिन हो गए, 75 दिन हो गए पॉइंटिक आत्मा वाले रात को नहीं सोए। जी जी हाँ जी मशहूर भाई, फज्र कजा हो जाती है, फज्र कजा हो जाती है, रात को जल्दी सोए, रात को जल्दी सोया कर, नफ्स तेरा बेकाबू है, नफ्स तेरा बेकाबू है, नफ्स तेरा बेकाबू है, जिस्म के रोजे रखा कर, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, अच्छा है, बहुत शुक्रिया, एक से एक शेर, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, नफ्स तेरा बेकाबू है, जिस्म के रोजे रखा, बुरी नजर लग सकती है, बुरी नजर, बुरी नजर,
बुरी नजर लग सकती है सर से दुपट्टा ओढ़ाकर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बुरी नजर लग सकती है। पैगाम दे दिया, पैगाम दे दिया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत 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 बड़ी नवाजिश। चलिए सर, ज्यादा बहुत उम्दा, मशहूर जी जी भाई। तारीख में पूछना चाह रहे हैं आप क्या? बहुत खूबसूरत तारीख जी जी जी। क्या मैं आप लोगों को नजर आ रही हूँ? मुझे लगता है कि मैं कहीं इस मीटिंग में शामिल भी हूँ कि नहीं, कोई बताएगा मैं हूँ? बिल्कुल मैम, माशाल्लाह एकदम क्लियर दिख रही है आपको, आपकी 70 mm स्माइल पूरी दिख रही है। आप दोनों तो सवाल नहीं है, माशाल्लाह दिखा रही हैं आप तो। समाप्त कर लें उसके बाद महफिल, शाने महफिल है जी जी जी। आखिरी गजल से चंद अशआर और समाप्त कर लें। हाँ तो थोड़ा सा जल्दी कीजिए मशहूर भाई। बस दो तीन मिनट सर, दो तीन मिनट। जी 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 जी। मतलब देख लें कि जब्त के हौसलों ने बांट लिया, जब्त के हौसलों ने बांट लिया, जब्त के हौसलों ने बांट लिया, दर्द सब राहतों ने बांट लिया। जब्त के हौसलों ने बांट लिया, दर्द सब राहतों ने बांट लिया। बांट लिया इना आपकी आपकी नजरिए शेयर करता हूँ, नापी आपकी नजर करता हूँ ये शेर। शुक्रिया जी। सारे बेटों ने बांट ली दौलत, सारे बेटों ने बांट ली दौलत, प्यार सब बेटियों ने बांट लिया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है, प्यार सब बेटियों ने। सही नजर किया, सही नजर किया था, सही नजर किया था। सारे बेटों ने बांट ली दौलत, प्यार सब बेटियों ने बांट लिया। अभिषेक भैया आपकी नजर शेर देखें कि पहले हम मजहबों में बांटे गए, पहले हम मजहबों में बांटे गए, फिर हमें नफरतों ने बांट लिया। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी अकादी कर रहे हैं भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले हम मजहबों में बांटे गए, फिर हमें ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, उसकी तरफ नहीं जाता, जहन को उलझनों ने बांट लिया। क्या शुक्रिया, ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, जैन को उलझनों ने पहले किस्तों में काश्त बांटी गई, पहले किस्तों में काश्त बांटी गई, फिर मकां भाइयों ने बांट लिया। फिर भाइयों ने बांट लिया, हम तो किरदार ही बचाते रहे, हम तो किरदार ही बचाते रहे, जिस्म को ख्वाहिशों ने बांट लिया, जिस्म को ख्वाहिशों ने बांट लिया, हम तो किरदार ही बचाते रहे, जिस्म को ख्वाहिशों ने बांट लिया। वक्ता समाज कर लें कि जब से मशकूर तुमसे दूर हुआ, जब से मशकूर तुमसे दूर हुआ, रात को रतजगों ने बांट लिया। बहुत बढ़िया, भाई वाह, वाह, बहुत अच्छे मशहूर भाई, बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया भैया, बहुत अच्छा, सबकी मौका सब गुजारूं।
बहुत खूब जिंदाबाद अंकुर भाई, सभी लोगों से एक हमारी आवाज को भाई तो रिक्वेस्ट, एक सभी हजरात से एक रिक्वेस्ट जी कि अगर इजाजत हो तो हम ले सकते हैं क्या, तीनों मोबाइल हमारे डिस्चार्ज हो गए, एक 18%, एक 22% और एक तो लो बंद ही हो गए, लाइट वाइट कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर तो इजाजत हो सदर मादरत के साथ शर्म देंगे, जुबैर साहब मादरत के साथ जी 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 आप जा भी सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि जब वो बंद हो रहे हैं, जब एक बंद हो गया है दूसरा तीसरा, तो वो जब अपने आप बंद हो जाएंगे तो मान लो नहीं सर बता देना बेहतर रहता है, तब तक बने रहें, बता देना बेहतर रहता है सर जी जी भाई जी जी भाई मोहब्बत एक शेर पोएटिक आत्मा के नजर कर पोएटिक आत्मा की नजर एक शेर सर जुबैर सर और पोएटिक आत्मा और भाव मंजरी के नजर दोनों के नजर हम साथ हैं दोनों दोनों के लिए दोनों की पोएटिक आत्मा वाले सुबह सोते हैं तो उनके हवाले एक शेर एक मतला शजर मकनपुरी का कहते हैं कि कौन कहता है कि जिसमें सबको आ जाती है नींद, कौन कहता है कि जिसमें सबको आ जाती है नींद, लोग जब उठते हैं सोकर सब हमें आती है नींद, वाह 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 मोहब्बत भाई वाह, लोग जो उठते हैं सोकर हमें आती है नींद, क्या हमें आती है बहुत उदास, कौन कहता है कि शब्द सबको आ जाती है नींद, लोग जब उठते हैं सोकर सब हमें आती है नींद, बेहद शुक्रिया, बेहद खूबसूरत भाई, बेहद खूबसूरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भैया, शुक्रिया शुक्रिया जी जी, मुझे मुझे इजाजत, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, तो देखिए वक्त हो चुका कि 10 बजे के बाद एक और प्रोग्राम स्टार्ट होना है लाइव, 10 बजे के बाद नहीं 10 बजे हम जैसे मशकूर भाई ने अभी शेर पढ़े हैं जी 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 10 बजे जी, मुझे टाइम की पाबंदी का थोड़ा लिहाज है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये अभी थोड़ी सी तमहीद इसे भी जरूरी है कि डिनर के तहत हम प्रोग्राम कर रहे हैं भाव मंजरी और पोएटिक दोनों, तो मंजरी जो साहित्य से उसकी रूहे रमा मातरमा गायत्री कौशिक गीत साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, बेहतरीन शायरा और क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर खूबियाँ इनके अंदर मौजूद हैं, मैं क्या कहूँ, खैर चूंकि भाव मंजरी से इनका ताल्लुक है और उसको उसकी रूह रवा है और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमारे लिए और मुस्तकिल तौर पर हम आपको देख रहे थे माँ, ऐसा नहीं है कि हमने आपको नहीं देखा, मैं एक शेर आपकी नजर करता फिर आप दरखास्त करूंगा कि आप शेर पढ़ें, मेरा अपना महका महका जहां है और मैं हूं, प्यार की दास्तां है और मैं हूं, महका महका जहां है और मैं हूं, प्यार की दास्तां है और मैं हूं, खुद कैसी है दिख रहा है मुझे, खुद कैसी है दिख रहा है मुझे, रूबरू मेरी माँ है और मैं हूँ, ये शेर गायत्री क्या कहना, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, गायत्री साहब पहली बार मेरे आपसे ताल्लुक हुआ है इसलिए अच्छा लगेगा आपको सुन करके, बहुत शुक्रिया जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया, सबसे पहले मैं तारिक को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी कि मैं इतने जहीन और इतने बेहतरीन शायरों के बीच में बैठी हूँ आज, और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था इस बात का, मुझे लगा कि आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे, नहीं तो सबसे पहले पढ़वा लेते मैं तो सोच में पड़ी थी कि इतने बेहतरीन जी, तो बहुत शायरी में आप लोग उर्दू के गजल के जानकार लोग हैं, बहुत ज्यादा मैं नहीं जानती हूँ, जितना भी कहती हूँ थोड़ा बहुत वो आपकी नजर करती हूँ, और एक कथा से क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं कथा से शुरुआत करती हूँ। देखिएगा ये चंद से कि चाहत के मरासिम से निकलने नहीं देता,
चाहत के मरासम से निकलने नहीं देता दिल मेरा निकलने नहीं देता दुनियावी रवायत है रुख देख बदलना दुनियावी रवायत है रुख देख बदलना किरदार मेरा मुझको बदलने नहीं देता किरदार मेरा मुझको बदलने नहीं देता क्या कहना वाह 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 दीदी वाह 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 बहुत उम्दा दीदी वाह वाह बात हो रही थी तो बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई के लिए और एक नज़्म है मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि ये तिलिस्मी मरासिम बगैर कोई आहट कब दाखिल हो जाते हैं जिंदगी में ये तिलिस्मी मरासिम बगैर कोई आहट कब दाखिल हो जाते हैं जिंदगी में बिसरे माजी का कुछ हिसाब किताब होता होगा शायद क्या बात बिसरे क्या? माजी का कुछ हिसाब किताब होता होगा शायद बहुत मुमकिन है उसी से तय होती हो किसी की आमद बहुत मुमकिन है उसी से तय होती होगी किसी की आमद या रुखसती यहाँ तक कि ठहरने की मियाद बहुत मुमकिन है उसी से तय होती होगी किसी की आमद या रुखसती और यहाँ तक कि ठहरने की मियाद भी कहीं पुरनूर क्या मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है आपको जी जी आ रही जी मैम जी आ रही है किसी की आमद या रुखसती यहाँ तक के ठहरने की नियाद भी कहीं पुरनूर रोशन मुलाकातें कभी गमदोज जुदाइयां अंजाम हर मरासिम का कोई और ही तय करता हो जैसे अंजाम हर मरासिम अरे वाह 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 और फिर ताउम्र ही कायम रहता है मरासिम में और फिर ताउम्र ही कायम रहता है वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत खूब वाह बहुत उम्दा बहुत खूबसूरत एक गजल के चंद अशआर आपके सामने पेश कर रही हूँ मतलब देखिएगा बहुत बहुत शुक्रिया रात भर दीप कोई जलाते नहीं ये अंधेरे से क्या सताते नहीं दीप अरे वाह 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 क्या कहने रात बहुत अच्छा है कोई जलाते नहीं ये अंधेरे तुम्हें क्या सताते नहीं क्या सताते नहीं और जिनको जिनको अशकों से धोया गया रात भर ऐसे जख्मों पे मरहम लगाते नहीं बहुत अच्छे जिनको अशकों से धोया गया रात भर ऐसे जख्मों पे मरहम लगाते नहीं और एक बहुत खास एक खास शेर आपके सामने अर्ज कर रही हूँ कि बात तेरे मेरे दरमियाँ ठीक है जी बात तेरे मेरे दरमियाँ ठीक है सामने इसको दुनिया के लाते नहीं बहुत उम्दा वाह 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 बहुत अच्छा जिंदाबाद लाना ठीक भी नहीं दुनिया के सामने वाह 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 क्या बात है बात तेरे मेरे दरमियाँ ठीक है और सामने इसको दुनिया के लाते नहीं कितने जुमले उठा लोगे तुम बहुत अच्छा है फिर देखिएगा कि कितने जुमले उठा लोगे तुम बेसबब जुमले उठा लोगे तुम बेसबब कितने जुमले उठा लोगे तुम बेसबब क्यों जबानों पे ताले लगाते नहीं लगाते नहीं जिंदाबाद और फिर देखिएगा
कि रूठ जाते हैं वो मुझसे हर बात पर, रूठ जाते हैं वो मुझसे हर बात पर, रूठ जाते हैं वो मुझसे हर बात पर, हर बात पर, और बात पूछूं अगर तो बताते नहीं, बताते नहीं, बहुत 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 उम्दा, कि रूठ जाते हैं वो मुझसे हर बात पर, बात पूछूं अगर तो बताते नहीं, और गीत जी, और गीत उनको भुलाना है आसान कब, गीत उनको भुलाना है आसान कब, वो जिन्हें हम कभी याद आते नहीं, वो जिन्हें हम कभी याद आते नहीं, आते नहीं, बहुत बहुत एक और जी, एक कोशिश करूंगी एक छोटी सी गजल आपके सामने, और फिर उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगी। इनायत मैम, वैसे तो सब यहाँ तहत में ही पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश करना चाह रही थी थोड़ा तरन्नुम में कोशिश करूँ, अगर आपको सुनाई दे समझ आए। किरण मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल साफ आ रही है आवाज, आप बिल्कुल सुनाए। सोचे कर आपको ख्यालों, सोचे कर आपको ख्यालों में, उलझी बैठी हूँ अब सवालों में, सोचे कर आपको ख्यालों में, उलझी बैठी हूँ अब सवालों में, बैठी हूँ अब सवालों में, ना तो आँखें रंगी है काजल से, ना तो आँखें रंगी है काजल से, और ना कंघे की है बालों में। अरे वाह 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 बहुत 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 शुक्रिया बेटा। ना तो आँखें रंगी है काजल से, और ना कंघे की है बालों, सोच कर आपको, देखिएगा, कुछ लिबासी के थे परसे, कुछ लिबासी के थे करते, आज गिनती हस्ता हालों में, आज गिनती, क्या कहने, बहुत अच्छे, वाह वाह, आज गिनती है हस्ता हालों में, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देखिएगा, सबके सब बेवफा होते, सबके सब बेवफा, बावफा भी है हुस्न वालों, क्या अच्छा शेर कह दिया, क्या खूब शेर कह दिया, वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सबके सब बेवफा नहीं होते, बावफा भी है उसने वाले, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। और ये देखिएगा, लाफ सोचा रुकी ना उस जानिब, लाख सोचा झुकी ना उस जानिब, आ गए फिर से उसकी चालों में, आ गए फिर से उसकी चालों में, आ गए फिर से उसकी चालों में। और बता रहे खासी से दिखेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तेरे ही खुद पे है बहुत नाज़ा, तेरे ही खुद पे है बहुत नाज़ा, एक दफा आए तो, वाह, एक दफा
आई तो उजालों में, और एक दफा आए तो उजालों में, और आखिरी शेर देखिएगा, यूं भी कुछ राबता नहीं उनसे, यूं भी कुछ राबता वाह 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 आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा। और मेरी गजल की कुछ मुझे चंद अशआर और आपके सामने रखती हूँ, और ये बहुत मुझे शायद ध्यान नहीं आए अभी, पर बस मैं वो कहूंगी और आपसे फिर विदा लूंगी। देखिएगा शेर, जब हमने हिजर की वो शबे गम गुजार दी, जब हमने हिजर की वो शबे गम गुजार दी, जब हमने वो शबे गम गुजार दी, फिर उसने आके सुबह की रंगत निखार दी, आके सुबह की रंगत निखार दी। और एक शेर जो मुझे खास पसंद है, सुनेगा, गैरों ने आके दी तेरे आने जब खबर, गैरों ने आके दी तेरे आने खबर, गैरों ने आके दी तेरे आने जब खबर, हमने तमाम शहर की गलियां बुहार दी, हमने तमाम शहर की गलियां बुहार दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तहे दिल से। मुकम्मल गजल शायद मुझे ध्यान नहीं है अभी, एक शेर और ध्यान आ रहा है वो भी सुना देती हूँ। उस बुत की परस्तिश में हमें इल्म ना रहा, उस बुत की परस्तिश में हमें इल्म ना रहा, उस बुत की परस्तिश में रहा, हमने तमाम उम्र इसी में गुजार दी, हमने तमाम इसी में गुजार दी। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत सुनने के लिए। और इसमें आप गजल के जानकार लोग हैं, कुछ खामियां हो तो आप मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मेरा भी इतना ज्यादा बहुत इतने आप बढ़िया उम्दा शायरी करने वाले लोगों के बीच में पढ़ना भी वाजिब था कि नहीं। मैं तारीख को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। एक बार नहीं 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 बहुत और भाव मंत्री और जी 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 मैम बोलिए बोलिए भाव मंत्री मंच जो है बहुत तहे दिल से आभारी है, और जो ये पोएटिक आत्मा का जो ये एक प्रयास है, मैं कहूंगी एक कोशिश है, बहुत ही कामयाब हो, कल को बहुत ज्यादा इसमें और इजाफा हो, बहुत उम्दा कोशिश है। मैं फिर से एक बार तहे दिल से बधाई देती हूँ और बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया करती हूँ, और जुड़े रहिएगा। शुक्रिया जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया बहुत जल्दी बहुत बड़ी मिलते रहेंगे हम लोग इंशाल्लाह। जी जरूर जरूर जुड़े रहेंगे। शुक्रिया। आमीन 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 आमीन। जी जी अब मैं गुजारिश करूंगा जी मैं गुजारिश करूंगा के मुशायरा लगभग मुकम्मल है, तो सदर आले वकार की तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगा चंद कलिमात अभिषेक भाई कहें, फिर मैं रुबाई की तरफ चलता हूं। अभिषेक भाई अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं मेहमान है खुसूसी आज की महफिल के, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो चंद कलिमात कहें आज के प्रोग्राम। नहीं नहीं मैं कलाम तो नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ अभिषेक भाई के कलाम के बिना कोई महफिल पूरी नहीं होती है, तो आप कहो ना कहो मैं कहूंगा हम लोग अभिषेक भाई का कलाम सुनेंगे, भले मुख्तसर होगा वो मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों को 10 बजे फिर दूसरे प्रोग्राम को शुरू करना है। उसकी टेंशन मत लीजिए, उसका लिंक क्रिएट करवा दिया है जी।
लोग असेंबल हो रहे हैं तो अब वो मैंने सॉर्ट कर दिया प्रॉब्लम जी, तो वो कोई इशू नहीं है जी। अभिषेक भाई जी, वक्त जाया ना करते हुए सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं जी अभिषेक, गायत्री मैम का, भाव मंजरी का, कि जो आपने हमें ये मौका दिया कि भाव मंजरी जैसी संस्था के साथ पोएटिक आत्मा का एक कोलैबोरेशन हुआ, और जो हम ख्याल लोग जब मिलते हैं तो हमेशा बहुत खूबसूरत खूबसूरत महफिल होती है, चमत्कार होता है, और ये उसकी एक वानगी भर है। और आई होप जब ग्राउंड पे हम लोग उतरेंगे तो दुनिया देखेगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं साथ में। और तारिक भाई बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं आप, बहुत बहुत खूबसूरत निजामत, आपको शुक्रिया निजामत के लिए। और आप सब बहुत बड़े लोग हैं, शुक्रिया हीना मैम है, बहुत शुक्रिया। और हीना मैम और गायत्री मैम आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे इस देश की, आधी आबादी को, और नारी शक्ति पूरी आबादी को कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, नारी शक्ति महिला शक्ति का प्रतीक, बिल्कुल। तारिक भाई का और गायत्री मैम की सरपरस्ती में ही है हम लोग सब, तो सबकी, अरे क्या बात है, सबकी नुमाइंदगी हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल गायत्री मैम की सरपरस्ती और बड़े लोगों का आशीर्वाद हमेशा होना चाहिए हम जैसे छोटे छोटे लोगों पे, बच्चों पे। तो एक शेर जिसने मुझे जो भी थोड़ी मोड़ी पहचान दिलाई है आप सभी के नजर, उसी से शुरुआत करूंगा कि मैं एक चिराग हूँ, चाहे कहीं रखो मुझको, मैं एक चिराग हूँ, चाहे कहीं रखो मुझको, मैं रोशनी के सिवा दोस्त कुछ नहीं करता। क्या बात, बहुत बहुत, मैं रोशनी के सिवा दोस्त कुछ नहीं करता भाई। और शायद मेरी जिंदगी का, शुक्रिया शुक्रिया भाई शुक्रिया, और मेरी जिंदगी का जो भी थोड़ा मोड़ा हासिल हुआ मुझे, मेरे उस्ताद जी की थोड़ी कृपा हुई मुझ पे, जुबेर भाई ही मेरे उस्ताद है, तो जो थोड़ी मोड़ी जो बहर सीख रहा हूँ, जो कहीं गलती होती है तो मुझे समझा देते हैं, संभाल देते हैं, तो जो जो अशार मेरे जिन्होंने मुझे थोड़ी मुकम्मल पहचान जो भी दिलाई, तो वो आप सभी के नजर है कि मुझे फूलों खुशबू की चाहत नहीं है, मुझे फूलों खुशबू की चाहत नहीं, मुझे फूलों खुशबू की चाहत नहीं है, मोहम्मद का मुझको पसीना बना दे, मुझे खुशबू की चाहत नहीं है, मोहम्मद का मुझको पसीना बना दे, जहां रोजेदार, जहां रोजेदार अपने पैरों को रखे। जुबेर भाई आपके नजर, तारिक भाई, यासिर भाई, हिना दीदी, देखिए जहाँ रोजेदार, जहाँ रोजेदार अपने पैरों को रखे, पैरों को रखे, मुझे खुल्द का तू वो जीना बना दे, वाह भाई वाह, मुझे एक और शेर देखिएगा कि रहूं सबके दिल में हमेशा हमेशा, हमेशा रहूं सबके दिल में, सबके दिल में हमेशा हमेशा, सबके दिल में हमेशा हमेशा, आमीन आमीन, मोहब्बत का मुझको खजीना बना दे, मोहब्बत का मुझको खजीना बना, आमीन वाह 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 वाह, मोहब्बत का मुझको खजीना बना दे। और एक और शेर अभी कुछ दिनों पहले ही बना, एक तन्हा शेर है, आई होप कभी ये गजल में ढले, आप सभी के नजर है कि थी प्यास इस कदर न समंदर से बुझ सकी, थी प्यास इस कदर न समंदर से बुझ सकी, जमजम की चंद बूंदों ने सैराब कर दिया, और मेरा एक शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और क्योंकि मैं फौजी हूँ और मैं हमेशा ये बात सबको समझाता हूँ कि मुझे मजहब में मत बांधो, तो उसी पे कुछ लिखा है आप सभी के नजर करना चाहूंगा कि आके वतन हूँ एक रोज इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा, आके वतन हूँ एक रोज इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा, मजहब में अगर बांधोगे इंसान नहीं रह पाऊंगा, मजहब में अगर बांधोगे इंसान नहीं रह पाऊंगा, इंसान इंसान नहीं रह पाऊंगा, अगर सदर मोहतरम जुबेर भाई की इजाजत हो तो चंद्र शार और
एक कथा पढ़ना चाहूंगा मैं। बिल्कुल इजाजत इनायत, आप ये इंस्पायर्ड आप समझिए, चाहे आप बोलिए आलोक भाई से इंस्पायर्ड है या मुनव्वर साहब से या जिससे भी, क्योंकि माँ माँ को इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं होती, माँ सबकी माँ है, पर इंस्पायर्ड है तो आप सभी के नजर है कि किसी के हिस्से जहां भर की दौलतें आई, किसी के हिस्से जहां भर की दौलतें आई, जहां भर की दौलतें आई वही कुछ एक जमी पाके हो गए पागल, इसी के हिस्से जहां भर की दौलतें आई वही कुछ एक जमी पाके हो गए पागल, मैं खुश नसीब मुझे माँ की चंद तस्वीरें मिली हैं, मैं खुश नसीब मुझे माँ की चंद तस्वीरें मिली हैं, चूड़ियां और उसका एक फटा आंचल, चूड़ियां और उसका एक फटा आंचल। क्या कहने, और जाते जाते एक मतला और एक शेर मेरी फेवरेट गजल का जो हमेशा हर जगह पे फरमाइश में आती है, दो आंखें। इजाजत चाहूंगा आप सभी से, शुक्रिया जुबेर भाई, शुक्रिया जी भाई, तरन्नुम आप सभी के नजर। जीना मुझे सिखाती है ऐ दोस्त तुम्हारी दुआएं, जीना मुझे सिखाती है ऐ दोस्त तुम्हारी दुआएं, मेरा दर्द मिटाती है ऐ दोस्त तुम्हारी दुआएं, बेकरार दिल को मेरे मिल जाता है कहनो करा। आप सबके नजर है और जो 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 सामाइन इसे देख रहे हैं जहां जहां भी आप सबके नजर है, बेकरार दिल को मेरे मिल जाता है कहनो करा, जब मुझको दिख जाती है ऐ दोस्त तुम्हारी दुआ, जब मुझको दिख जाती है दोस्त तुम्हारी दुआ। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, क्या कहने, क्या कहने, बेहद शुक्रिया सभी का, क्या कहने, क्या कहने। तारिक भाई आगे बढ़ाइए जी, बहुत बहुत जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, मजा आ गया। तारिक भाई एक बड़ा एक बड़ा मसला है कि जो नाज़िम मुशायरा होता है अक्सर ये होता है कि पढ़ाते पढ़ाते कई बार उसका नंबर ही नहीं आता है, तो मैं चाहूंगा कि वक्त का ध्यान रखते हुए चंद अशार आप भी अगर मैं भी अभी यही कहने जा रही थी कि सदरे मोहतरम से पहले आप नहीं, मैं आप तो कुछ पर तो नहीं, नहीं बहुत, 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 मैं तो वक्त की पाबंदी बोल दिया मैंने कि हमने हमने थोड़ा निकाल लिया है, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हाजिरी के लिए सिर्फ अपनी जी जी इरशाद, इरशाद। ख्वाब से भी ख्वाब से आया जो हकीकत में था ही नहीं, ख्वाब से भी वो रिश्ता गया जो हकीकत में था ही नहीं, उसने वो अनसुना कर दिया क्या जो मैंने कहा, मैंने कहा ही रिश्ता जो हकीकत में था ही नहीं, वो अनसुना कर दिया जो मैंने कहा ही नहीं, और क्या कहने के हंस तालाब पर मर गया तो मैं रोया बहुत देर तक, तालाब पर मर गया तो मैं रोया बहुत देर तक, जबकि सब कह रहे हैं कि तालाब पर हंस था ही नहीं। क्या कहने, क्या कहने जनाब, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, शुक्रिया, क्या कहने भाई, वाह
क्या उमदा, वाह वाह। हंस तालाब पर मर गया तो मैं रोया बहुत देर तक, जबकि सब सब कह रहे हैं कि तालाब पर हंस था ही नहीं, था ही नहीं। और उंगलियां बहुत जी शेर अर्ज कर रहा हूँ कि उंगलियां फूंक ली मैंने फिर से निदामत में अपनी सभी, मैंने फिर से निदामत में अपनी सभी, और वो कह रही है कि मैंने तो उसको छुआ ही नहीं। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, जिंदाबाद 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 भाई, वाह बहुत अच्छा भाई, तारिक भाई मुबारक हो। बात अभिषेक भाई शेर दिएगा, जुबैर सर, इनायत भाई, इनायत, घर की दीवार पर एक रास्ता खुला पेड़ दिखने लगे, घर की दीवार पर घर की दीवार पर रास्ता खुला पेड़ दिखने लगे, फिर मैं दश्ते तसव्वुर में भटका तो रास्ता मिला ही नहीं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने, तसव्वुर में भटका तो रास्ता मिला ही, कमाल कमाल कमाल, क्या बात, कमाल कैसा, बहुत उम्दा, क्या कहने, क्या कहने। आखिरी शेर है कि मेरे सीने में खंजर उतरता गया रात सोते हुए, मेरे सीने में खंजर उतरता गया रात सोते हुए, हड़बड़ा मगर जख्म था ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने भाई, वाह भाई वाह, जख्म था ही नहीं, क्या बात, क्या बात, जिंदा रुदले तारिक भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर है पर तारिक भाई, जी 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 तारिक भाई पढ़िए। हाँ जी, और एक दिन जिस्म को रूह जाने लगी, और फिर एक दिन जिस्म को छोड़कर रूह जाने लगी, आसीन टूटी पमंजर गया ही नहीं, कोई पमंजर गया ही नहीं, आपसे भी रिश्ता गया जो हकीकत में था ही नहीं, उसमें वो अंदर दिया है जो मैं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तारिक भाई, तारिक भाई हंस वाला, तारिक भाई हंस वाला शेर पढ़ दीजिए, नेक्स्ट लेवल की शायरी है, नेक्स्ट लेवल की शायरी, भाई हंस वाला, हंस वाला शेर पढ़ दीजिए। जी 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 के हंस तालाब पर मर गया तो मैं रोया बहुत देर तक, क्या कहना है, हंस तालाब पर मर गया तो मैं रोया बहुत देर तक, जबकि सब कह रहे हैं कि पर हंस था ही नहीं, था ही नहीं, वाह भाई, क्या बात, क्या बात, आपकी शायरी मुझे बहुत पसंद है, और माशाल्लाह मुझे आप सफ़े अव्वल के शायरों में नजर आते हैं आने वाले वक्त, यकीनन 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 इंशाल्लाह। जी इन आप पे बहुत शुक्रिया, और दुआएं आपकी, आपकी दुआएं हैं ये सब, इंशाल्लाह रहेंगी वो तो, तो अब यह है कि ये मैंने आबाद रहो खुश रहो, बहुत कमाल, बहुत सुंदर जो शायरी सुना दी है, उसकी 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 भरपाई करने के लिए, अपनी उल्टी सीधी शायरी भरपाई करने के लिए मैं चाहता हूँ, बहुत ही मोहतरम शख्सियत और मेरे बहुत ही अजीज, बहुत ही मोहतरम, हालांकि हमें मिले हुए बहुत कम वक्त हुआ है, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कुछ ही दिनों में उनसे मिलता हूँ, इतने शफीत इंसान हैं कि मुझे लॉकडाउन या खत्म हो तो मैं जाकर मिलूं उनसे खास तौर पर। तो एडवोकेट जुबैर अंसारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आज की सदारत भी फरमा रहे हैं, बहुत ही मातिबाना दरख्वास्त, अपने सदारती खुदबात से भी नवाजें और शेरों से भी नवाजें जी। मोहब्बत तारिक भाई आपकी, जुबैर भाई तारिक भाई, आपने जो बोला ना, मैंने जो टेढ़ी मेढ़ी शायरी, पीछे मुझे मौका मिला था एक मुशायरे में अली जरियून साहब के सामने बैठने का, और मैंने उनको एक बात कही थी कि हमारे हिंदुस्तान के पास अब आपका जवाब आ चुका है तारिक उस्मानी, तो जब हम शरद पार देखते हैं तो वहां पे जो जो लोग मोहब्बत देते हैं अली जरियून को, मेरी जुबैर भाई से इसमें
बहुत ही मुख्तलिफ बात भी हुई है इस पे, जुबैर भाई ने ये बात बोली हुई जी 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 तो, जी तो आप जी. ये बोल के अपना क्रेडिट जाया मत कीजिए, हम सबको मालूम है आप क्या है जुबैर भाई. जी जी अरे मोहब्बत मोहब्बत बात आपकी, आपकी बहुत 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 शुक्रिया अभिषेक, बहुत मोहब्बत है वाकई. जी जुबैर सर हमतन गोश हैं हम सब. जी तारिक भाई हाँ दूसरी चाहिए. जी तारिक भाई बड़ी मोहब्बत आपकी और बहुत शानदार प्रोग्राम था और उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा, तो क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रोग्राम जी 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 उम्मीद से बहुत अच्छा और मेरे ख्याल से मेरे करीब मुशायरे का मतलब चाहे वो स्टेज का मुशायरा हो या ई मुशायरा हो या नशिस्त हो, तो मेरे करीब मुशायरे का मतलब है जहाँ पे शायरी हो, ना कि नौटंकी हो ड्रामेबाजी हो. ठीक है तो कहना नहीं चाहिए बट आजकल ज्यादातर देखने में देखने में यही आता है ज्यादातर तो बिल्कुल कहना चाहिए, कहना क्यों नहीं चाहिए, कहना चाहिए हमारे. बिल्कुल बिल्कुल. तो जैसे शुरू में वो भाई पढ़ रहे थे, आसिम भाई पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि वो मिस्रानी जो है थोड़ी मत है, तो क्या ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन ये बड़ी असरअंदाज करने वाली चीजें हैं. और हम जो क्या अदबी जो रिवायतें हैं, ठीक है, जो अदबी जो कवायद हैं, हम उनसे सब टूटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, तो ये बड़ा आलमीय है. तो अगर कोई आदमी उसको लेके चल रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो मुझे लगता है उसको हर जगह पे जहाँ पे भी वो उसकी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं रत रहे हैं, तो उसकी वहीं पे उसकी जो है तारीफ होनी चाहिए, उनका अप्रिसिएशन होना चाहिए और खुले दिल से होना चाहिए. तो बेहतरीन मुशायरा था, शुरू हुआ आसिम मकनपुरी साहब से, आसिफ अली, काशिफ अख्तर साहब, उसके बाद यासिर इनाम साहब, क्या खूबसूरत शायरी हो रही थी. उसके बाद हिना रिजवी साहिबा ने तो समा बांध दिया और एक अलग रंग की शायरी, और जैसा आपने कहा अपनी निजामत में कि वाकई वो शायरी क्या है कि जो जहाँ तक पतीन का मामला है, शायरात का मामला है, तो मैं देखता हूँ कि वो शायरी जो है वो लब और रुखसार और गुल बुलबुल इससे बाहर नहीं जा रही है. तो ये बड़ा अलमिया है मेरे करीब. तो ये जो रिवायतें हैं इनको तोड़ते हुए, इन बंधनों को, इन बॉर्डर्स को ये तोड़ते हुए जो शायरी आज हिना रिजवी साहिब ने की है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको और वह बहुत अच्छा लगा. और जहाँ तक वो जी और गायत्री कौशल जी जो हैं, गीत साहिबा जो हैं, ये लोग हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है पहला था, सिर्फ आखिरी नहीं था. तो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश में है कि हर महीने हम लोग इस तरह का एक गेट टुगेदर हो, सब लोग कम से कम महीने में एक बार मिलते रहें एक दूसरे से और इस तरह की अदबी महफिलें सजें जहाँ पे शायरी हो, जहाँ पे मतलब तो मेरा मानना है कि शायरी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. जी बिल्कुल. तो मैं सबको और बेहतरीन निजामत के लिए तारिक उस्मानी भाई को और हमारे मेहमान खुसूसी अभिषेक तिवारी भाई, ये तो मेरे दिल के मेरे जिगर का टुकड़ा है और इनको मैं क्या तारीफ करूँगा. तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम. और मुशायरा तकरीबन हो चुका है मेरी नज़र में, लेकिन अब वो एक बस हाजिरी की गरज से कि मेरी भी हाजिरी हो जाए आप लोगों के बीच, मैं दो तीन चार मुतफर्रिक अशआर और उसके बाद एक गजल का मतलब दो तीन शेर तो समाप्त कर लें. तो जी हमतन गोश मरहमत फरमाए. जी 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 जी. तो शेर मेरा दुआइया शेर है, मैं चाहूंगा आप सब इसमें शामिल हो जाएं कि मेरे खुदा मेरे हाथों में वो हुनर दे दे. वाह 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 वाह. मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे हाथों में वो हुनर दे दे, मैं जिससे हाथ मिलाऊं तब उसके गम ले लूं, तब उसके गम ले लूं, क्या बात है. जिससे हाथ मिलाऊं सब उसके गम ले लूं.
बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ा शेर। मेरे खुदा बहुत मैं जिसके हाथ में आऊं मैं सब उसके गम ले लूं, उसके गम ले लूं। और ये शेर मैं नाज़िल करता हूं तारिक भाई, शेर सुनो यार। यासिर भाई हैं, शेर सुनिए यासिर भाई। जी 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 हिनायत सर, हम को समझ में जी कि हिना शेर सुनो है ना। जी 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 फरमाइए बिल्कुल इरशाद। नसीम सुबह वो हर शय पे शबनमी कतरे, वाह शबनमी कतरे वजू कराती है कुदरत के वक्त जिक्र का है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी मोहब्बत आपकी। और कुदरत के वक्त जिक्र का है। और एक और शेर मैंने शेर कहने की कोशिश की है मैंने पूरा, और एक चैलेंज भी है। जब मैंने शेर कहा तो लोगों ने कहा यार कमाल कर दिया आपने, तो मैं शेर सुनिए कि जिसका दावा हो कभी झूठ ना बोला उसने। सुनिए तारिक भाई जी, जिसका दावा हो कभी जिसका दावा हो कभी झूठ ना बोला, झूठ ना बोला उसने, जिसका दावा हो कभी झूठ ना बोला उसने, खैरियत पूछ के देखो जरा एक बार उससे। जिसका दावा हो कभी झूठ ना बोला, झूठ ना बोला उसने, जिसका दावा हो कभी झूठ ना बोला उसने, खैरियत पूछ के देखो जरा एक बार उससे। और मैंने एक गजल कही थी उसका मैं एक शेर सुनाता हूँ। तारिक भाई सुनो, मुझे याद आ गया, मैं शेर सुनाता हूँ खाली के। अब तो चौरे सजदा तू मुझको नवाज दे, तारिक भाई सुनिए शेर। अब तो जी इनायत, इनायत, अब तो चौरे सजदा तू मुझको नवाज दे, नवाज दे। मुद्दत से फिर रहे हैं यूं ही सर लिए हुए, क्या कहने क्या कहने, हाय हाय हाय, अरे क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अब तो शौर्य सजदा मुझको नवाज, मुझको नवाज दे, मुझको नवाज दे। मुद्दत से फिर रहे हैं यूं ही सर लिए हुए। और चार मिसरे एक कथा सुन ली जी जी, चार मिसरे और एक कथा सुन लीजिए कि थकन कितनी भी हो चलना पड़ेगा, थकन कितनी भी हो चलना पड़ेगा, थकन कितनी भी हो चलना पड़ेगा जी गीत साहिबा, थकन कितनी भी हो चलना पड़ेगा, मुसाफिर को सफर करना पड़ेगा, मुसाफिर को सफर करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, थकन कितनी भी हो चलना पड़ेगा, मुसाफिर को सफर करना पड़ेगा। और ये मेरी जिद, ये मेरा हौसला था, ये मेरी जिद, ये मेरा फैसला था, मैं सूरज बन गया चलना पड़ेगा, मेरा फैसला, सूरज बन गया, सूरज बन गया चलना पड़ेगा, मैं सूरज बन गया चलना पड़ेगा। और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक मतला और चंद शेर सुन लें गजल के। सुनिए मतलब सुनिए कि न जाने जी कौन जी से कैसे नशे में चूर हैं हम, न जाने से कैसे नशे में चूर हैं हम, न जाने कौन से कैसे नशे में चूर हैं हम, जो तेरे दर तेरी चौखट से अब भी दूर हैं हम, जो तेरे दर तेरी चौखट से अपनी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि न जाने कौन से कैसे नशे में चूर हैं हम, जो तेरे दर तेरी चौखट से अब भी दूर हैं हम, अब भी दूर हैं हम। अभिषेक शेर सुनो अभिषेक भाई के, अजब तमाशा है दुनिया है या मेरे मौला, अजब तमाशा है दुनिया है या मेरे मौला, या मेरे मौला। सजा गुनाह की पाई है बेकसूर हैं हम, सजा गुनाह की पाई है बेकसूर हैं हम, अजब तमाशा है दुनिया है या मेरे मौला,
सजा गुनाह की पाई है। शेर सुनिए, बतौर खास शेर सुनिए बतौर खास के जरा सी एक तजल्ली भी सह नहीं पाए, जरा सी एक तजल्ली भी सह नहीं पाए। वाह वाह वाह, बड़ा गुरूर था हमको कि कोई दूर है हम। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत। जुबेर भाई जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि जरा सी एक तजल्ली भी सह नहीं पाए, बड़ा गुरूर था हमको कि कोई दूर है हम। और तारिक भाई, ये शेर में नजर करता हूँ आपको, सुनो तारिक भाई और शेर सुनो, मजा आ जाएगा। ईमान ताजा करने वाला शेर है, सुनिए कि किताब हक का है आगा लफ्ज़े इकरा से। वाह, लफ्ज़े इकरा से, किताब हक का है, किताब हक का है आगाज लफ्ज़े इकरा से, किताब हक का है आगाज लफ्ज़े इकरा से, ये लफ्ज़े इकरा से। और ये अलमिया है कि बाद उसके लाशऊर हैं हम, ये अलमिया है क्या बात, कि बाद उसके लाशऊर हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अलमिया है, बहुत ही अलमिया, एक एक शेर शेर है, एक एक शेर शेर है, बहुत 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 बेहतरीन बेहतरीन का नाम जी जी, किताब किताब हक का है आगाज लफ्ज़े इकरा थे, ये अलमिया है के बाद उसके लाशऊर हैं हम। और शेर आखिर समाप्त कर लीजिए के, और ये शेर भी देखिए, मैंने शेर बनाने की कोशिश की है कि हजारों पैदा की मखलूक रब ने दुनिया में, हजारों पैदा की मखलूक रब ने दुनिया में, और लकब मिला जिसे अशरफ वो कोहे नूर है हम। नशे में छू रहे हम, तेरे सर तेरी चौखट से अब भी दूर है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आप लोगों की जी। तारिक भाई आप संभाले हैं अपना प्रोग्राम जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने जो है बिल्कुल कमर दी। और खास तौर से इस मौके पर विदा लेने से पहले, विदा तो नहीं है कि चंद, ये सिर्फ एक वक्फा लेंगे इंशाल्लाह दूसरी मुलाकात के लिए, लेकिन फिलहाल मैं खास फर्दन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी भी है मेरी दरख्वास्त पर सब लोग यहाँ पर तशरीफ लाए और मौका दिया। सबसे पहले पोएटिक आत्मा का उन्होंने मौका दिया हमें, इस ये मंच प्रोवाइड किया, भाव मंजरी का साथ साथ उन्होंने, दोनों मंचों ने ये साथ मिलकर ये प्रोग्राम किया इश्तराक से। मैं ये चाहता हूँ कि दोनों मंच जो है फले फूले और आगे भी हम भविष्य में ये दोनों पटी का आत्मा साथ मिलकर काम करते रहे। आमीन 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 भाई, आमीन, बहुत शुक्रिया। मैं खास तौर करना चाहता हूँ की अदालत पर वो फाइज हुए और उन्होंने ये दरख्वास्त कबूल की। और गायत्री कौशल गीत साहिबा, मैं उन्हें माँ कहता हूँ और मेरी माँ है वो, बेटा हो तो हमारा एक रिश्ता है, तो गायत्री माँ आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम जैसा बेटा उसे खुद से गरूर होना चाहिए तारिक, यकीनन यकीनन मोहब्बत है, बिल्कुल 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 मोहब्बत है। और यासिर खान भाई जी, यासिर खान इनाम भाई ने बहुत मेरी छोटी सी दरख्वास्त को कबूल कर लिया और उनके लिए शुक्रिया, मेरे पसंदीदा शायर हैं, ये बात मैं सबको शुक्रिया, उनके लिए बहुत शुक्रिया। और आपसे बहुत मशहूर ममनून भाई का नौ से उनका बहुत शुक्रिया है भाई। और आसिफ भाई, आसिफ मकरमपुरी भाई, और खास तौर से डॉक्टर काशिफ अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मशकूर भाई ने तमाम चीजें मैनेज करने में अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो मोहब्बत चाहते हैं, नए प्रोग्राम मुलतवी करते हैं प्रोग्राम को, तब तक के लिए खुदा जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, सभी का और गायत्री कौशल मैम का कि ये मौका दिया आपने हमें, खुश रहे सलामत रहे। तारिक भाई
तारिक भाई, आप सब मेरी, आप सब हमारी सन 2020 की लॉकडाउन की कमाई हो आप सब। गायत्री मैम सीरियसली लव यू लोड्स, आपको हीना मैम बहुत मोहब्बत है आप दोनों को, कि आप दोनों हमेशा ऐसा ही मुस्कुराते रहे, फले फूले, मशकूर मशकूर ममनून भाई यार, आप मोहब्बत हो यार, मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ आपको, दिल से पसंद करता हूँ, बहुत शुक्रिया। और आज मैं जिनसे भी मिला, और जुबेर भाई कमाल हो बस, और कुछ नहीं कर सकता मैं आपके लिए, शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया मुझे भी अपने इसमें शामिल रख करने के लिए, और आप सब दुआओं में याद रखें, आप सबकी दुआओं का मुंतजर, खुदा खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।